आज की ताजा खबर, आज हम शुरुआत करने वाले एक नए चैप्टर। चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट, विद्युत चुंबकीय, नहीं रे गलत बोला सॉरी। हेलो, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल चल रहा है मेरे भाई। आज अपन करेंगे सर एक और नए लेक्चर की शुरुआत, है ना सर? चैप्टर का नाम क्या है सर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट सर, धारा के चुंबकीय प्रभाव। ओहो सर, क्या बात है सर, पुराना चैप्टर सर एक पार्ट बाकी है। हाँ मेरे लाल, करवाऊंगा, जरूर करवाऊंगा, वो पार्ट जरूर से करेंगे, लेकिन सर कब करेंगे? संडे को एक लाइव क्लास में करेंगे, तो भैया तैयार है ना उस क्लास के लिए? पर सर संडे को तो हमारा टेस्ट है। और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा सफिशियंट है, अपन आराम से उसमें काम पूरा कर लेंगे। सिर्फ एक टॉपिक है वो पढ़ना है, और उसके कुछ एक दो सवाल प्रैक्टिस करने, बाकी अपना काम तो आराम से हो ही जाएगा मेरे लाल, है ना? ठीक है, अब सुनना सर, अभी तक हम जो बात कर रहे थे सर, वो सिर्फ चार्ज के रेस्ट की बात की, जब चार्ज आपका रुका हुआ था सर, फिर हमने चार्ज की गति की बात की, जिसमें हमने धरा पड़ा, धरा है ना, अब सर उसके प्रभाव पड़ेंगे, समझना हुआ क्या है। पेन कहाँ गया रे? ये रहा यार, ये पता बोर्ड करंट मार लगा है आजकल। हुई 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 हुई। देखो सुनना, देखो अभी तक अपन जो बात कर चुके हैं ना सर, वो क्या था सर? चार्ज की बात की थी, याद है? हाँ सर। सबसे पहले सर हमने देखा क्या? देखा कि सर जब चार्ज आपका रेस्ट पर होता है तब क्या होता है। हाँ सर, जब चार्ज आपका स्थिर अवस्था में होता है तब क्या होता है सर? हमने पढ़ा कि वो फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। हाँ सर, हमने वो कुछ बेसिक बेसिक बातें करी थी, की थी। हाँ सर। सर फिर हमने उसके आधार पर कुछ बातें पढ़ी सर। क्या क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, है ना, फोर्स पढ़ा हमने, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, है ना, फिर उसकी एनर्जी वगैरह पढ़ी। हाँ सर, हमने ये पढ़ा सर। फिर हमने बात की सर जब के चार्ज आपका मोशन करें तो, ठीक है, तो मोशन के बेस पर हमने चार्ज की एक चैप्टर पढ़ा सर, कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा ना? अरे पढ़ा था। हाँ सर, ठीक है, विद्युत धारा पढ़ा, ठीक सर। और सर ऐसा ही एक चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा? कैपेसिटर। मतलब चैप्टर में अलग से नहीं पढ़ा है, बट हाँ अपने एनसीईआरटी में साथ में होता है इनके साथ में, तो ठीक है, कैपेसिटर पढ़ लिया। संधारित्र पढ़ा, अरे पढ़ा मेरे भाई, हाँ, ये पढ़ा हमने, विद्युत धारा, विद्युत धारा इनके बारे में पढ़ा, ठीक सर। फिर हमने कौन सा पढ़ा? संधारित्र भी पढ़ रखा है। हाँ सर, ये सब बातें अपन कर चुके हैं, ये अपने पास देख चुके हैं। अब क्या बोला सर कि अब जो धारा का प्रभाव, फर्क फर्क क्या है? पहले जब आपका चार्ज रुका हुआ था, आपने उसके प्रभाव पर, सुनना, जब आपका आवेश स्थिर अवस्था में, क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोलेंगे सर इसको? ओहो, क्या पेन बड़ा अजीब चल रहा है यार आज, रुको एक मिनट, रुको, पेन बड़ा गंदा गंदा चल रहा है आज। आपने स्थिर आवेश के प्रभाव देखे, ठीक सर, उसी के प्रभाव सर ये सब। और फिर आपने देखा कि जब चार्ज आपका गति करता है तब क्या होता है सर? तब धारा आती है। और अब इस धारा के प्रभाव देखिए, आप क्या करेंगे सर? अब आप इस धारा के प्रभाव देखो, धारा का प्रभाव, कि ठीक है कि जब आपका चार्ज चलता है, जब आपके पास धारा होती है, तब उस धारा का क्या प्रभाव पड़ता है सर, उस पर क्या चीजें होती है, अब बातें सर उनके बारे में की जाएगी, समझना, बिल्कुल सीक्वेंस में ही है। अब सुनना, आगे के आने वाले लगातार 3 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर सर आपके ऐसे ही चलने वाले हैं ना, मैं चले सर 3 चैप्टर होंगे, ठीक है, 3 चैप्टर सर। कौन कौन सा? एक तो धारा के चुंबकीय प्रभाव, फिर अपने चुंबकीय पदार्थ वगैरह पढ़ेंगे, है ना, कि पदार्थ क्या होता है, उनके किस किस तरह के पदार्थ हो सकते हैं, क्या क्या उनकी प्रकृति होती है सर, वो सारी बातें की जाएंगी। और उसके अलावा अपने पास जो धरती का चुंबकीय प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ेंगे सर, ठीक। और आखिरी में पढ़ेंगे एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हो, ये बातें उस चैप्टर में पढ़ जाएंगी सर। उसके बाद उसके बाद मेरे पास आएगा एक, आएगा एसी, है ना, अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा, और फिर आखिरी में ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ सर,
नाम सुना हुआ लगता है। हाँ सर, इसका आपने नाम सुना था सर। नाम कहाँ सुना था सर? ने इसका नाम सुना था जब आपने पढ़ा था, कौन सा वेव पढ़ा था, आपने वेव पढ़ा था, वेव, तब हमने इसका नाम था सुना था, तब इसकी बात की थी। हाँ सर, सबसे नाम सुना था सर, याद है मैंने कहा था सर वेव क्या होती है सर? हमने बताया है कि वेव जो होता है ना, कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का तरीका होता है, जिसमें माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित नहीं होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, तो ऐसे हमने वेव पढ़ी थी। ठीक है, पर सर वो बातें सर बाद में करेंगे, उसके पहले सर ये बातें खत्म की जाए। देखो तो कुल मिला के भी आने वाले 4 से 5 चैप्टर तो आपके, 4 चैप्टर कम से भी कम आपके फिलहाल इसी पे चलने वाले हैं। इस पे चार्ज पर। उसके बाद सर फिर हम आएंगे अपने ऑप्टिक्स वाले पार्ट पर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। तो मतलब वेव ऑप्टिक्स तक जो चैप्टर है वो थोड़े बड़े बड़े चैप्टर हैं, अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। उसके बाद सर क्या है, मॉडर्न फिजिक्स वो निहायत ही आसान होता है, तो सिलेबस की टेंशन करते हैं मतलब हेमलाल, सिलेबस आपका जो प्लानर डेट है उसी पर खत्म करूंगा, और हो पाया तो उससे पहले ही खत्म करूंगा, तो टेंशन मत ले। बस ये कि जो चल रहा है उसको अच्छे से करने की कोशिश कर, जरा परेशान मत हो, टेंशन ना ले। देख पढ़ाई देख चलती रहेगी, पढ़ाई अपनी मार्च पे खत्म नहीं होगी, सिलेबस खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, बस सिलेबस खत्म हो गया, पढ़ाई खत्म हो गई ना मेरे लाल, बहुत कुछ करना है। उसके बाद सर रिवीजन करना है, सब कुछ देखना है। बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि सर हमारा अभी रिवीजन नहीं हो पा रहा है। देख मेरी बात, रिवीजन पहली बात उनके लिए है जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं, है ना? रिवीजन उनके लिए होता है जो चीजें पहले पढ़ चुके हैं और बहुत तमीज से, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना? बात यह कि सर हमारे क्लास की मैक्सिमम जनता सर ऐसी है, या तो उनके पास बैकलॉग है या पहली बार पढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई ऐसे टाइम पे जब हम पहली बार चीजों को पढ़ रहे होते हैं, जैसे कि मान लो ये जो चैप्टर है कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, तो मेरे भाई उसके लिए फिलहाल रिवीजन का ऑप्शन ही नहीं है सर। क्यों? क्योंकि अपना पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि सर अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको इतना अच्छे से पढ़ो, इतना तमीज से पढ़ो कि सर इससे आने वाला एक एक सवाल मैं एक बार में कर पाऊँ। अगर तुम ये कर लोगे ना तो रिविजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिविजन में आपको टाइम बाद में कम लगेगा। फर्क यह है, बेवकूफ बच्चे हरकत यही करते हैं कि सर टेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, तो क्या होता है वो टेस्ट के चक्कर में अभी के जो करंट टॉपिक होते हैं उनको छोड़ देते हैं, वो कभी नहीं करना होता, वो कभी भी नहीं करना होता। तो आपको जो करंट टॉपिक है उनको साथ साथ करते चलो, अच्छे से करते चलो, बिल्कुल तमीज से करते चलो, तब अपने जाके काम हो पाता है। ठीक है, वरना बड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, ये दिख तो रहा ना मेरे भाई? हाँ दिख तो रहा है सब कुछ ठीक है। अब मेरी बात समझना, देखो होता क्या है। अब सर ये बात तो ठीक है, देख लेंगे। अब मेरी बात समझना, छोटी सिंपल सी बातें हैं। छुट्टी है ना, छुट्टी मना क्या है बेटा, 26 जनवरी है, कोई ना, मेरी बात समझ। तो सर करना क्या है, अभी के टॉपिक जितना हो पाए उतना तमीज से करो, उतना स्ट्रॉन्गली इसको खत्म किया जाए। ठीक है, और ये मत सोचो कि सर यार हमें सर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है। भाई देख मेरी बात सुन, टेस्ट सीरीज अगर तुम्हें अभी मिल भी जाएगी तो भी क्या ही कर लो, ये मत सोचो कि सर दूसरों को मिल रहा है हमें नहीं मिल रहा है। कंपेरिजन कभी नहीं करना है, मेरी बात समझ, कंपेरिजन कभी नहीं करना है। टेस्ट प्लान तुम्हारे लिए चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है, ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा आपको मिल जाएगा। पर मेरी बात इतना समझ के सर, दूसरों से कंपेरिजन करना क्यों है, तुम्हारी अपनी एक जंग है, तुम्हारी अपनी एक लड़ाई है, तो सर तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को देख के क्या कर लो, मुझे बताओ ऐसा टेस्ट किस काम का जिसमें तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं, बिना तैयारी के सर टेस्ट दोगे क्या मिल जाएगा उससे आपको? ये सोचते हो कि सर तो उनको तो ये मिल रहा, उनको ये मिल रहा, सर हमें नहीं मिल रहा। अरे मेरे लाल, अगर मैं किसी बच्चे को 10 किताब दे भी दूं, किसी बच्चे को मैंने 10 बुक्स दे भी दी, क्या फायदा जब तक तो उसको पढ़ नहीं रहा हो? अगर आप उन 10 बुक्स को पढ़ ही नहीं सकते हो तो किस काम की हो किताबें? जरा सोच, क्या फिलहाल तेरे पास इतना टाइम है कि तू अलग से कोई टेस्ट दे पाए? सोच तेरा दिमाग में एक बात बैठा कि सर क्या सच में अभी तेरे पास दिन भर का ये पढ़ाई करने के बाद कोई टाइम बच रहा है कि तू कोई एक्स्ट्रा टेस्ट दे पाए? सोच जरा एक बार, है ना? तो बेकार में इन बातों को दिमाग में मत ला। टारगेट क्या है सर? नीट एग्जाम, वो एग्जाम तोड़ना है, उसके लिए अपना रेगुलर टाइम पे टेस्ट हो रहा है जो सफिशियंट है, उसको देता रहे। ठीक है, देता रहे। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज अपने पास आएगी सही ना, सभी को मिलेगी, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सबके लिए होती है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलती है, वो तुम ले सकते हो, वो दो आराम से, क्या दिक्कत है ना? तो मेरे भाई परेशान मत हुआ कर, इतना सोचा मत करो। दिक्कत क्या है, हम सोचते बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम करते हैं, तो वो काम नहीं करना। ठीक है, सोचना बंद कर, काम करना शुरू कर। पास होऊंगा नहीं होऊंगा, फेल हो जाऊंगा, नंबर कितने आएंगे, रैंक क्या आएगी, ये बातें तुम्हारे काम की नहीं, ये बात हमें सोचना ही नहीं सर। क्यों? ये डिसाइड करेगा आपका एग्जाम के वो 3 घंटे।
अभी की ली गई टेंशन से आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। रिजल्ट से सब फर्क पड़ा सब तब जब वो एग्जाम वाले दिन 7 मई को आप लोग 3 घंटे 3 सवा 3 घंटे बैठ के सब वो एग्जाम दोगे। जब सर जो 3 घंटे का एग्जाम दोगे, वो जो 3 घंटे आपके कैसे निकल रहे हैं, वो 3 घंटे आपने कैसे निकाले हैं, वो आपका रिजल्ट बनाएगा। पर सर उन 3 घंटों के मेहनत के लिए, उन 3 घंटों के काम के लिए आपको साल भर मेहनत करनी पड़ती है। और दिक्कत पता है क्या है, हम वो 3 घंटे की मेहनत को सोच सोच के आज मेहनत नहीं करते। सर ये भी बाकी है, वो बाकी है, ऐसा करूं वैसे करूं, ये कर लूं वो कर लूं, सर कोई शॉर्ट नोट दे दे तो वो कर लूं। अरे बेवकूफों, करना शुरू करो, करना शुरू करो। किसका इंतजार करते हो? तुम्हें पता है, तुम मानो ना मानो, तुम दिन भर में कम से भी कम 1 से 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ सोचने में बात करते हो। सोचने में कि यार मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए, मुझे वो बुक पढ़नी चाहिए, ये सर के नोट सही नहीं है, उन सर के नोट देखना चाहिए, मुझे ये लेक्चर देखना चाहिए, वो लेक्चर देखना चाहिए, इनका वीडियो देखूँ, इनका वीडियो देखूँ, एक शॉर्ट लेक्चर देख लूँ, वन शॉर्ट देख लूँ। क्यों मेरे भाई, क्यों इतना टाइम खराब करता है? सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे, यकीन मान, सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देगा, किसी के भी नोट्स देख ले सफिशेंट होते हैं। कोई भी टीचर अपनी क्लास में अगर पढ़ा रहा है तो वो कभी भी कम नहीं पढ़ाना चाहता, वो हमेशा एक्स्ट्रा ही पढ़ाना चाहता है। यकीन मान, मैं अभी जितना पढ़ा रहा हूँ, मैं इससे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। पर दिक्कत क्या है, टाइम टाइम बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस गिवन टाइम में जितना हो पाता है मैं आपको उतना देने की कोशिश करता हूँ कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा दूँ या फिर इस टाइप का भी करवा दूँ। पर होता है क्या सर, टाइम बाउंडेशन। तो क्या होता है, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, मैं आपको वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ। कभी भी अगर देखोगे ना, तो नीट एग्जाम में मोस्टली इजी क्वेश्चन ही आते हैं, कुछ एक दो टफ चैप्टर जरूर है जहाँ से कभी कभार बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है, और वो टफ क्वेश्चन भी आपको नीट 2016 का ही मिलेगा। उसके बाद के अगर टेस्ट पेपर देखोगे तो निहायत ही आसान टेस्ट क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो परेशान मत हो, बस करना शुरू कर, सोचना बंद कर दे कि सर ठीक है जो होगा देखा जाएगा। आज मेरे हाथ में क्या है, आज मेरे पास सर ये पल है, ये मोमेंट मेरे हाथ में है, इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ ये मेरे हाथ में है। अगर तू आज मेहनत करेगा तो तेरा कल बेहतर होगा, अगर तू कल की सोच के बैठेगा तो कल कभी आएगा ही नहीं, वो कल हमेशा कल ही रहेगा, कभी आएगा नहीं। आज मेहनत करेगा तो आने वाला पल तेरा अपने आप बेटर बनेगा, अपने आप अच्छा बनेगा। तो बस आज मेहनत करना शुरू कर, बहाना मत दे कि यार अभी मैं थक गया हूँ, अभी मुझे कहीं और जाना है। नहीं, अभी मतलब अभी कि यार अभी के अभी इसको खत्म करना है। होता ना कई बार सर रात को 12 साढ़े 12 1 बज चुका है और सर चैप्टर खत्म होने वाला है, 2 पेज बाकी है खत्म होने में। पर क्या होता है, उसी पल हमारे दिमाग में सर एक बात आ जाती है कि यार 2 ही तो पेज है, कल पढ़ लूंगा। अरे बेवकूफ, कल क्यों पढ़ लूंगा, अभी क्यों नहीं खत्म करता, ये सोच रहा कि यार ये चैप्टर अभी खत्म कर दूंगा तो कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। दिक्कत ये है सर, हम कल के बारे में बहुत सोचते हैं, चीजें कल पे बहुत छोड़ते हैं। कल पे नहीं छोड़ना, जो है आज है, अभी है, अभी इसी वक्त है सर, इसी वक्त खत्म करके जाऊंगा और चैन से सुकून से सोऊंगा बिना किसी टेंशन के, है ना। जिस दिन तुम पढ़ते हो ना, अपना एक टारगेट अपने आप को पुश करके जब आप एक टारगेट अचीव करते हो ना, यकीन मानना सुकून की नींद आती है, मजा लगता है क्या। हाँ यार, आज जो मैंने टारगेट बनाया था, टारगेट सर आज का टारगेट मैंने पूरा कर दिया, बस यही तो खुशी चाहिए जीवन में, है ना। तो बस लगा रहे, रुकना नहीं है। तो मेरे भाई सुन, बात सुन सर, अब हम बात करेंगे सर धारा का प्रभाव, धारा का प्रभाव। अब सर ये जो प्रभाव से ये आया कहाँ से, कैसे आया, किसने देखा, क्यों देखा। देखो क्या है, पुराने साइंटिस्ट थे, पुराने टाइम में क्या लोगों को बहुत सारी चीजें दिख जाती थी, ऑब्जर्व होती थी। क्या होता था, उनको देख कर समझ कर सर उनके दिमाग में कुछ कीड़ा काटता, भैया एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ देखा जाए, है ना। तो ऐसे ही सर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे बढ़िया वाले, है ना, ओरेस्टेड, है ना। उसने क्या कैसा कुछ एक्सीडेंट, अरे तेरे तो क्वेश्चन बाकी है, अरे यार पहले तो क्वेश्चन बाकी है, प्ले करता हूँ, प्ले क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट क्लास में होमवर्क है, प्ले कर देता हूँ, रुक जाओ। ओहो ओहो ओहो, मैं भूल ही गया था बे। तो देखो, एक प्रतिरोध तार को मीटर सेतु में बाएं भाग में लगा, सर सुनना क्या है, मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। सर ठीक है सर, कैसा आता है, एक मेरे पास होता है राइट वाला पार्ट और एक निवास होगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पास एक तार लगा दिया, लो भैया एक तार लगा दो, चलेगा ठीक। और सर मेरे पास क्या, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है जो आपने इसे लगा दिया, ठीक है। बात समझना, बात समझना, सवाल ज्यादा ध्यान से पढ़ना, बढ़िया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। क्या बोल रहे हैं, दाई और 10 प्रतिरोध लगाया और सर बाई और क्या सर एक तार है सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक तार है, यहाँ पे कैसे मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पे सर कितना
पत्रोस और कितना 10 ओम का चलेगा। और ये बिंदु से इस तरह से संतुलन बिंदु आपका इस तरह से कैसा, ये तार की लंबाई को 3:2 में बांटता है। तो ठीक है, तो एक काम करो सर, मैं इसको 3L मान लेता हूं, सर इसको मैं कितना 2L ले लेता हूं, चल जाएगा। ओके सर, सर इधर वालों का अनुपात उधर वालों के अनुपात के समान होता है सर। ठीक है, तो एक काम करते सर, इसका प्रतिरोध सर कितना R1 ले लो सर। ठीक है, ऊपर वाले दोनों का अनुपात बराबर नीचे वाले दोनों का अनुपात, सब बात तो एकदम ठीक है। R1 का मान नहीं पता, ये कितना 10 है, ये कितना है 3/2, सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। R1 से कितना आ रहा है मेरे पास, ये मेरे पास है 15 ओम से मेरे पास है सर। ठीक है, चलेगा। आगे क्या बोल रहा है कहां गया, ये रहा। यदि प्रतिरोध तार की लंबाई, यदि प्रतिरोध तार की लंबाई, कौन सा प्रतिरोध तार सर, जो हमने ऊपर लगाया था, प्रतिरोध तार की लंबाई से कितना 1.5 मीटर हो, तब 1 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई कितना होगा सर। ठीक है, आप पता है बच्चे इसी बात में कंफ्यूज हो गए और सवाल को छोड़ के आ गए, उन्होंने ऊपर का सोल्व कर दिया, वो खाली इसी में अटक गए इस लाइन पे, सर यहाँ क्या हुआ, ये क्या बोला, हमारा कुछ पले नहीं पड़ा। वो बोला कि सर जो आपने प्रतिरोध तार लगाया था उसका प्रतिरोध तो निकाल लिया, उसकी लंबाई दे दिया है सर, कोई दिक्कत नहीं, लो बात करता हूं, कितना लंबाई सर इसका 1.5 मीटर। अब सर मुझे पता है सर प्रतिरोध के लिए क्या होता है, R बराबर से कितना होता है, रो L बाय A होता है। अरे हाँ सर, क्या R समानुपाती होता है L के, बिल्कुल सर, इसके हिसाब से तो मेरे पास R1/R2 बराबर कितना L1/L2 होता है सर। ठीक है, अब उसका सवाल सर ये है कि सर 1 ओम प्रतिरोध के तार की लंबाई कितना होगा, सुनना, 1.5 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध कितना 15 ओम है, तो 1 ओम वाले का कितना होगा सर। ठीक है, बात कर लेता हूं सर, R1 कितना है 15 ओम, इसकी लंबाई कितना 1.5 मीटर, सर ये प्रतिरोध कितना बोल रहा है 1 ओम, उसकी लंबाई कितना आएगा, वही आपसे पूछा गया सर। ठीक है सर, एक काम करो सर, पॉइंट हटाओ सर, नीचे कितना आएगा 10 आएगा, 15 से 15 काट दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 1/10, सर कितना आएगा 10^-1 मीटर, ये सवाल था, कितना आंसर आ गया 10^-1 मीटर, ऑप्शन नंबर ए, नीट 2020, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। तो क्यों, क्योंकि हम इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, बच्चे इस लैंग्वेज को समझ नहीं पाए, बाकी सब कुछ ठीक था, बाकी सब कुछ सर आसान था, बस बात है कि वो यहीं पटक गया, चल जाएगा। अरे हाँ सर, अब सर इसकी बात करो ऑरेस्टेड भाई की, सर सुना, देखो ऑरेस्टेड क्या था, एक साइंटिस्ट है, उसने क्या, उसने सर पढ़ा धड़गड़ में, वापस आ गया वापस टॉपिक पे, ठीक है बात सुन, उसने सर क्या देखा, जब कभी बैटरी से आपने एक परिपथ को जोड़ा सर, ठीक है सर, मेरे पास एक तार है, हाँ सर, क्या सर उसमें धारा का प्रभाव होगा, बिल्कुल होगा सर। तो क्या हुआ, आपने जैसे ही बटन को किया चालू, इधर से सर आएगी धारा, ओहो आइए आइए धारा, चलिए आगे बढ़िए, ओके सर, सर धारा चलते कहाँ गई, आगे गई, मेरी बात समझना सर, धारा जा रही सर आगे, हुआ क्या सर, जैसे ही वो इस धारावाही तार के नजदीक, इस करंट कैरिंग वायर के पास में एक कंपास खुले, सर कंपास क्या होता है, अरे इसको क्या बोलते हैं, कंपास आप देखा होगा यार, वो पिक्चर में देखा होगा, टीवी वगैरह में एक आता है वो मैन वर्सेस वाइल्ड वाला, तुमने कभी देखा हो तो, है ना, बियर ग्रिल्स, वो भाई साहब पहाड़ों में, भाई साहब जंगलों में घूमता है, कुछ भी खाता पीता रहता है, उसके पास एक होता है दिशा सूचक यंत्र, ये बोलता है, हाँ दिशा सूचक यंत्र, क्या होता है, तो एक छोटा सा गोला गोला होता है, दिखाता हूँ मेरा लाइक, देखो ऐसा कुछ होता है, आपको अगर कभी किसी ने यूज किया हो तो समझ जाएगा वो, ऐसा कुछ होता है कभी देखा होगा आपने, है ना, उसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है N, यहाँ लिखा होता है S, यहाँ लिखा होता है ईस्ट, यहाँ होता है वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और सर उसमें क्या होता है, ऐसा मार्किंग होती है, कभी देखा हो तो, है ना, कभी देखा होगा आप लोगों ने ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो क्या होता है, कंपास होता है ना, कंपास के भाई दिशा दिखाने का काम करता है सर। ठीक है, तो असल में सर होता क्या है सर, असल में ये जो चीज होती है ना बीच वाली, ये सुई जो होती है, ये चुंबक होती है, चुंबक कभी देखा ना, चुंबक देखा होगा, हाँ सर मैंने देखा है, चुंबक देखा है ना, मैग्नेट जो होता है, तो क्या किया सर इसने, ऐसे ही इस तार के नजदीक एक कंपास निडल ले आया,
एक चुंबक को लिया है। तो क्या हुआ, जैसे ही इसमें धारा का प्रभाव हुआ, आपकी जो ये चुंबक थी किसी एक तरफ विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट हो गई सर, कैसे हो गया उसको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता था, उसने खाली एक्सपेरिमेंट किया, उसने सिर्फ देखा कि भैया जैसे ही इस धारावाही तार के नजदीक मैं एक कंपास को लेके गया, क्या बोलते इसको, कंपास है ना, कंपास, कंपास नीडल, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको पास लेके गया सर, इसमें आया विक्षेप, इसमें आया सर डिफ्लेक्शन। अच्छा सर ठीक है सर, अब बंदा समझदार था, बंदा समझदार था, तो उसने क्या किया, तो उसने कहा एक काम करता हूँ सर, धारा को थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, धारा का मान थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ। सर जैसे ही उसने धारा का मान बढ़ाया, ये जो विक्षेप है सर ये और बढ़ गया, ये विक्षेप और बढ़ गया। अच्छा धारा बढ़ाई तो विक्षेप बढ़ गया, अच्छा थोड़ा और उसने दिमाग लगा, से एक काम करता हूँ ना, बैटरी को करता हूँ उल्टा। तो जैसे ही उसने बैटरी को किया उल्टा, धारा का प्रभाव हो गया उल्टा, धारा का प्रभाव उल्टा होते ही इसका डिफ्लेक्शन सर अब पहले से उल्टा आया, अब पहले से उल्टा आया। अच्छा तो सर क्या हुआ, जब उसने ऑरेस्टेड ने ये सारी कथा देखी, ये सारी कहानी को देखा सर, उसने एक अंदाजा लगाया, उसने एक चीज को बस बता दिया कि थ्योरी थ्योरी बोल दी उसने ना कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। तो हुआ क्या, उसने सर समझा कि सर जब कभी किसी धारावाही तार के पास में किसी निडल को, किसी कंपास को लेके जाया जाता है, तो क्या होता है सर, उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसके आधार पर, इसके आधार पर उसने एक निष्कर्ष निकाला कि सर के किसी धारावाही तार के आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कुछ पदार्थ मतलब चुंबक, चुंबक जैसे बता ना, कुछ पदार्थों को प्रभावित करता है, उन पे बल लगाता है, और उसको इसने क्या बोला सर, चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा सर ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और करके देखते हैं सर, क्या लिया हमारे पास, एक कार्डबोर्ड, एक गत्ता है ना, एक गत्ता है, कार्डबोर्ड, बात समझ रहे, कार्डबोर्ड लगा दिया। अब क्या किया सर हमने, सर इसमें डाल दिया एक तार डाल दिया है ना, इसे सर बीच में एक छेद किया और सर उसमें ऐसे एक तार को फंसा दिया, देख रहे हो क्या, हाँ सर ऐसा कुछ, देख ऐसा कुछ। अब क्या हुआ सर, जैसे इसमें सर धारा प्रवाह किया, इसमें सर धारा प्रवाहित हो रही है सर, ठीक है, आपने इसके कार्डबोर्ड पे, इस गत्ते पर, इस गत्ते पर आपने कुछ डाल दिया, क्या बोलते हैं, लोहे का बुरादा, चूरा होता है ना, चूरा होता है बुरादा, हाँ सर चूरा जो होता है, अरे हाँ हाँ समझ गए ना मतलब, तो भैया आयरन सेंड जिसको बोलते हैं, आयरन सेंड है ना, लोहे का चूरा बुरा है ना, तो उसको हमें भर दिया, डाल दिया पूरा कार्डबोर्ड पे। अब क्या हुआ, जैसे ही इसमें धारा का प्रवाह हुआ, जैसे ही सर इसमें धारा का प्रवाह हुआ, वो जो चूरा था ना, वो जो बुरादा था सर, वो इस पे ऐसे सर्कल फॉर्मेट में आ गया, ऐसे वृत्तीय रूप में बट गया है ना, ऐसे देखा ना, हाँ सर वो आपका ऐसे ऐसे पूरा बट गया। क्या सर कब हुआ, जब आपने इसमें धारा का प्रवाह किया, ठीक है। तो सर इसके आधार पर सुनो एक बात और कही कि सर इस तार के चारों ओर आपका चुंबकीय क्षेत्र आया है, और कैसा आया सर, वृत्तीय क्षेत्र में, कि भैया एक बंद लूप बनाता है सर, कैसे है? बस अंदाजा लगाया, सिर्फ अंदाजा है कि सर धारा है, उसके आसपास जो हमारे पास हमने वो रखा था ना लोहे का बुरादा, हाँ सर वो अपने आप को सर ऐसे एडजस्ट कर लेगा, ऐसा सर्कुलर फॉर्म में, तो अपने अंदाजा लगा लिया कि हाँ ठीक है आपका चुंबकीय क्षेत्र सर ऐसा रहा होगा, जिसकी वजह से आपके जो सारा कण है वो उस पे एडजस्ट हो गए, उस पे वितरित हो गए। अच्छा सर मतलब ये कोई अदृश्य चीज है, बिल्कुल सही बात है, असल में सर हमने देखा नहीं, बस हमने सर नाम दे दिया, कुछ ऐसे बोल दिया कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। कुछ बोलते हो ना कि सर वो बंदा गिर गया, कैसे बोलते हो सर, गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा होगा, अंदाजा लगाया ना, हाँ सर वैसे इन्होंने बोला तो एक थ्योरी बन गई। अब उसके बारे में बात करते हैं, लिख लेते हैं फटाफट, क्या बोलते हैं इसके आधार पर जो हमारे पास निष्कर्ष आए उनकी बात करेंगे, क्या बोल रहे हैं, आहा, जब कभी किसी चालकतार में धारा प्रवाहित होती है,
तब उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसके कारण कुछ पदार्थ बल का अनुभव करते हैं, बल का अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। उन पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो ठीक है, उसके अलावा प्रयोगों के आधार पर आधार पर यह कहा जा सकता है जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र बंद लूप के रूप में, क्या बोले, चुंबकीय क्षेत्र तार के चारों ओर वृत्तीय लूप बनाता ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको रखनी पड़ेंगी याद, वैसे तो बहुत बातें बहुत आसान बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस पता होना चाहिए। ठीक सर, अब सर ये तो बात ठीक थी कि सर ठीक है हमारे पास ऐसा कुछ हुआ है, हमने सर नाम भी दिया, लेकिन सर उसकी मात्रा कितनी है। चलो मान लिया कि वे तार के चारों तरफ कुछ क्षेत्र आ रहा है, मान लिया, बस आया कितना है, उसका मान क्या है, उसकी तीव्रता कितना है। जैसे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कि हाँ सर किसी चार्ज किसी आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है जहां पर बाकी आवेश उसके आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, लेकिन सर वो बल है कितना। उसके लिए पहले सर मुझे क्षेत्र की पता तो हो कि क्षेत्र कितना तीव्र है, क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, क्षेत्र की ताकत कितनी है, तो वो तो पता हो सर। बिल्कुल वैसे ही सर बात करूं कि सर मेरे पास ठीक है चुंबकीय क्षेत्र है तो सही हमने मान लिया, लेकिन सर उसकी तीव्रता कितनी है, कितना ताकतवर है, किस बिंदु पर कितना ताकतवर होगा, सर उसकी दिशा क्या होगी, वो सारी बातें सर करेंगे। और सर उसके लिए सबसे पहले सर सामने कौन आया था, बायो सावर्ट, है ना। बायो सावर्ट सर नाम के दो साइंटिस्ट थे सर, उन्होंने कुछ चीजें करी, एक्सपेरिमेंट करे, और उसके आधार पर सर उन्होंने कुछ हमें फॉर्मूले दिए, और वो फॉर्मूला सर हमें डायरेक्टली याद रखना है, कहीं दिमाग नहीं लगाने का। सर कुछ छोटी मोटी बातें सर सुनना, बायो सावर्ट सर काम का आता है, तो इसके बात करें धारा अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो बायो सावर्ट होता है ना, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, किसी भी धारा अल्पांश, बोलो तो करंट एलिमेंट के कारण आप विद्युत
चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हो। सर धारा अल्पांश मतलब सर धारावाही तार का छोटा सा टुकड़ा, धारावाही तार का छोटा सा टुकड़ा, उसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, उसके कारण से कितना चुंबकीय क्षेत्र आएगा हमें वो निकालना है, और वो समझा है इस बायो सावर्ट। सर किसने निकाला देखना, सर मेरे पास एक तार है, हाँ सर, उसका छोटा सा हिस्सा ले लेते कितना डी एल इसकी लंबाई। अब सर ये क्या है, ये एक आपका वेक्टर बनेगा सर, कैसे, जब आप इसको धारा आई से गुणा कर दोगे, इसको बोलेंगे आइडियल वेक्टर। इसका नाम क्या है, धारा अल्पांश, ठीक है, अंग्रेजी में सर इसका जो असल नाम बनता है वो होता है करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट। तो ये क्या एक सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि है, वेक्टर है। तो इसकी दिशा कहाँ पर होगी सर, इसकी दिशा होगी धारक दिशा, हाँ वेक्टर, इसकी दिशा धारा प्रवाह के अनुदिश होती है, धारा प्रवाह के अनुदिश से इसकी दिशा आती है सर, ठीक है, बात समझ लूंगा, अब सुनना। और सर उसके अलावा इस अल्पांश के कारण उस बिंदु पर जिसका स्थिति सदिश कितना आर वेक्टर है, क्या सर, ये पोजीशन वेक्टर। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर क्या स्थिति, स्थिति सदिश, तो ठीक है सर, आपको इस बिंदु पे क्या निकालना सर, चुंबकीय क्षेत्र निकालना, क्या बोला सर, ये बनेगा आर वेक्टर, और सर धारा की दिशा में आपका आइडियल वेक्टर सर, ठीक है, और इनके बीच में सर आने वाला कौन सा कितना थीटा बनेगा, कितना सर थीटा लिया, तो ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, इस छोटे से अल्पांश के कारण सर यहाँ पे आने वाला छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डी बी, क्या सर, ये चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ठीक है चुंबकीय क्षेत्र की सर तीव्रता सर, ठीक है, तो सर मेरे पास आने वाली सर डी बी, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला कि सर जो चुंबक क्षेत्र मेरे पास आता है ना तब से बुला सर, वो धारा प्रवाहित जो हो रहा है उसके समानुपाती है, कि सर धारा का मान जितना ज्यादा होगा आपका चुंबक क्षेत्र के साथ तीव्रता उतना ही ज्यादा आएगी सर, ठीक सर। दूसरा ऑब्जर्वेशन, दूसरा उन्होंने जो देखा सर डी बी सर, सबसे पहला ये समानुपाती सर आया किसके, अल्पांश की लंबाई के सर, अल्पांश आप जितना बड़ा ले रहे हो उसके कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर उतना ही ज्यादा आया सर, ठीक है सर। उसके अलावा उन्होंने तो देखा कि ये जो है मेरे पास साइन थीटा के भी समानुपाती है सर, थीटा क्या है सर, थीटा आपका डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण है सर, ठीक है, उसके भी समानुपाती आया। और आखिरी में सर ये क्या है, ये आपका समानुपाती आया दूरी आर के वर्ग के, हाँ सर ऐसे व्युत समानुपाती सर, ठीक है सर। उन्होंने हर बार सर कैसे क्या, ये चीजें आई कैसे थी सर, उन्होंने क्या या क्या क्या, तब पहले उन्होंने इन तीन को रखा कांस्टेंट और उसको चेंज किया, सुनना, इन तीन को रखा कांस्टेंट, इनमें कोई बदलाव नहीं किया, खाली उसने बदलाव किया सर, जब उन्होंने करंट को किया डबल, क्षेत्र कितना है डबल, जब आई को किया तीन गुना, ये भी सर कितना तीन गुना, तो क्या हुआ, ये सब चीजें करने के बाद सर उनको समझ में आया कि सर जितना बदलाव यहां कर रहा हूं उतना बदलाव वहां आ रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती है सर, बिल्कुल सेम काम उन्होंने किया यहाँ किया, इन तीन को किया कॉन्स्टेंट और इसको किया चेंज, फिर से वही बात हुई सर कि जितना सा बदलाव यहाँ कर रहे हो उतना बदलाव सर वहां आ रहा है। तो सर करते करते सर उन्होंने ये सारी चीजें देखी, और जब इन सारी बातों को एक साथ लिखा गया तो क्या आया, समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बटे दूरी आर का स्क्वायर, तो ठीक है समानुपाती को सर हटाएंगे से यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नियतांक आएगा सर, कितना आएगा, आया म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये कितना मेरे पास आई डी एल साइन थीटा बटे दूरी आर का स्क्वायर, अच्छा सर ठीक है, मेरे पास क्या है, ये मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र की सर तीव्रता है सर, ठीक है सर, इसमें आई मेरे पास क्या धारा, डीएल क्या है मेरे पास अल्पांश की लंबाई, थीटा क्या है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, और सर आर क्या उनके बीच की सर दूरी सर, ठीक है सर, मेरे पास क्या है सर, ये जो मेरे पास ये है आपका समानुपाती नियतांक।
समानुपाती ठीक है। जैसे म्यू नॉट क्या होता है, तो बोलते हैं अंग्रेजी में उसको बोलते हैं परमिटिविटी, नहीं परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोल रहे हैं? निर्वात की पारगम्यता। ठीक है चलेगा। और सर जो लिखा गया म्यू नॉट बटा 4 पाई, सर इसका मेरे पास जो इसका मान होता है होता है 10^-7। चलेगा। अब सर उसका सर कुछ छोटी मोटी बातें सर जो आप लिखो सर बी, ये क्या है बोलता है चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बात समझना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर ठीक है। सर इसका जो मेरे पास होता है सर यूनिट तो होता है टेस्ला। ठीक है इसमें सर SI यूनिट ठीक है। और सर एक होता है गॉस है ना, ठीक है मेरे पास किसमें होता है CGS में होता है। तो ठीक है तो सर मेरे पास एक टेस्ला जो होता है वो 10^4 गॉस के बराबर होता है। ठीक सर बात समझना। अब सुनना सर ये किसमें, टेस्ला में। I किसा धारा, धारा है, धारा किसमें सर एम्पियर में। सर डीएल क्या लंबाई, मीटर में। साइन कोस के कोई यूनिट नहीं होती है, सही किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। लिख के देखना, लिख के देखना कि सर यहाँ से मेरे पास क्या बनने वाला। देख सर आप लिखा सर कितना dB बराबर क्या बोल रहा हूँ म्यू नॉट बटा 4 पाई। सर कितना आएगा I dl साइन थीटा बटे दूरी का आर का स्क्वायर लिखा जाए। सही किसमें आएगा टेस्ला में। यस सर तो इसके बारे में नहीं पता, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को वैसे ही रहने दो चलेगा, नियतांक है फिलहाल। सर आई का कितना सर एम्पियर। सर ये किसमें आएगा मीटर में, ये किसमें आएगा मीटर स्क्वायर में। यस सर 1 मीटर से 1 मीटर काट दो। तो देखना क्या यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो यूनिट आया सर कितना आएगा टेस्ला इंटू मीटर बटे एम्पियर। सर ये इसका बनेगा यूनिट। तो क्या लिखेंगे सर टेस्ला टी मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये मेरे पास आएगा इसका यूनिट। याद रखेंगे क्या? हाँ सर ये बात याद रखनी है सर, सवालों में डायरेक्ट इसका इस्तेमाल होता है। चल जाएगा क्या? अरे हाँ मेरे लाल चल जाएगा। और सर ये आपका बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला जिसका कहीं जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है, कई सारे सर फॉर्मूले जो आप इसी से डिराइव करते हो, लेकिन सर डेरिवेशन अपने काम के नहीं है। सर क्यों भैया, अपने नेट में डेरिवेशन कौन पूछता है, नहीं पूछता। तो सर बिना डेरिवेशन के हम इसका इस्तेमाल करेंगे बहुत भारी भरकम तरीके से, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। सर ठीक है सर। अब इसके अलावा इसका एक सदिश रूप होता है। सर सदिश रूप क्यों? क्योंकि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, सदिश राशि होता है, दिशा होता है। अच्छा सर फिर तो वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो मेरे भाई क्या होता है इसका वेक्टर रूप है ना, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। सर अभी अभी क्या लिखा सर dB हमने कितना लिखा है म्यू नॉट बटे 4 पाई, कितना लिखा सर आपने I dl साइन थीटा बटे दूरी आर का स्क्वायर। सर ठीक है कितना आएगा सर यहाँ से dB बराबर, ये कितना सर वेक्टर फॉर्मेट। सर ये मेरे पास होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई। तो ये रहा I dl क्रॉस आर वेक्टर, अच्छा बटे सर कितना आर का क्यूब। सर ये कैसे आया लिख के दिखाऊं, लिख के दिखाऊं। देख सर ए क्रॉस बी क्या होता है, सर ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। हाँ सर हमने पढ़ा हुआ, लिख के देख, लिख के देख। सर म्यू नॉट बटा 4 पाई तो कांस्टेंट है। अरे हाँ हाँ सर ये कितना आएगा ए बी इंटू साइन थीटा, अच्छा बटे आपका आर क्यूब। सर एक आर से एक आर काट, सर कितना आर स्क्वायर बचेगा। देख ये जो लिखा हुआ है ये आपकी यही तो बात है ऊपर वाले, देख। अरे हाँ सर ऊपर वाली ही तो बात है, बिल्कुल सही बात। तो भैया ये बनता है इसका वेक्टर फॉर्मेट। अच्छा तो वेक्टर है सर, दिशा भी तो होगा, बिल्कुल होगा, दिशा क्यों नहीं होगा। सर देखना क्या यहाँ से आपका डी बी वैक्टर जो दिख रहा है क्या वो समानुपाती है सर किसके, डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर के। अरे हाँ सर आप सर याद रखना
जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब कभी दो सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हम हमारे दाएं हाथ की इनिंग का इस्तेमाल करते हैं। दाएं में क्या करते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे की तरफ फिंगर्स को घुमाते हैं, जहां पे थंब आता है वो दिशा दिखाता है। पहले वेक्टर से, पहले सदिश से दूसरी तरफ उंगलियों को घुमाओगे, जहां पर अंगूठा आएगा वो परिणामी सदिश की दिशा को दर्शाता है। डीएल क्रॉस आर, तो देखना डीएल क्रॉस आर, तो देखो यहाँ पे कहाँ पाते हैं, देखो कहाँ गया डायग्राम गिरा। सर डीएल कहाँ है, इस तरफ। आर कहाँ है, वो। सर लिख के देखने एक बार, सर डीएल मेरे पास है इस तरफ, आई डी एल वेक्टर। सर आर कहाँ आया, इस तरफ दिख रहा है क्या, हाँ सर ये मेरे पास आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर ये रहा। सर इनके बीच में कोण कितना, थीटा है। सर क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पहले से दूसरी तरफ। सर पहला कौन सा है, डीएल है, तो सर ठीक है डीएल की तरफ रखा फिंगर्स को, सर ये रहा आर, तो डीएल से आर की तरफ घुमाया फिंगर्स को, सर थंब कहाँ गया, अंदर। ध्यान सुनना, हम इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम जो गलती करेंगे वो दिशा ही होगी, बोल रहा हूँ गारंटीड कि जो मैक्सिमम बच्चा इसमें गलती मारेगा सर वो किसमें, दिशा में। सर देख क्या बोल रहा हूँ, डीएल से आर की तरफ घुमाओ, पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ, थंब कहां जा, सर अंदर गया, अंगूठा सर कहां गया, अंदर। सर अंदर मतलब ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। सर ठीक है समझ, इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब होता है तल के लंबवत अंदर, डॉट मतलब तल के लंबवत बाहर। ये कुछ सिंबल है जो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर डॉट का मतलब होता है बाहर, क्रॉस मतलब होता है अंदर, समझना। इस कॉपी के, इस प्लेन के अंदर बाहर, अंदर बाहर, बाहर मतलब डॉट होगा, अंदर मतलब क्रॉस होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। सर देखो हमने क्या किया, हाँ सर, तो सर इसके हिसाब से दिशा कहाँ पर है, ऐसे आएगी। पर सर हम हर बार एग्जाम में ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, सब कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल सीखेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले सर ये छाप लो, छाप लेंगे, डन सर। उसके बाद सर ये बातें छाप ली जाएंगी, ओके सर चलेगा। सर उसके बाद मेरे पास ये कुछ बात है, इसका वेक्टर फॉर्मेट सर रटा हुआ होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, अच्छा पार्ट है, चल जाएगा मेरे लाल, हाँ सर चलेगा। क्या कोई समस्या, ना सर। क्या कोई टेंशन, नहीं सर। क्या कोई दुख दर्द, कतई नहीं सर, सब बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है, जोरदार है, जबरदस्त है। सर इतनी देर हो गई, अभी तक सर इतनी सी बात पड़ी, अरे मात मत परेशान। देखो सर अब चुंबकीय बल रेखा है, इनके हम सर कुछ चर्चा करेंगे। सर आधी बातें सर सेम, सर सेम कैसे, हमने सर पढ़ रखा था कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस याद है, अरे हाँ सर, चुंबकीय बल रेखाएं, विद्युत सर विद्युत बल रेखा जैसी होती है, अच्छा ठीक है। कुछ बातें सेम, कुछ बातें अलग। सबसे पहले सर डालो हेडिंग, तब तक हम पीते थोड़ा सा पानी, ओके सर। तो देख बात करते हैं चुंबकीय बल रेखा, बात समझना। देखो जैसे हमारे पास, हमने सर क्या कहा था कि सर विद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं होती है, बोले वह काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। सर क्या 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 क्या, सुनना क्या बोल रहा हूँ कि सर मेरे पास ऐसी काल्पनिक बल रेखा है। सर काल्पनिक मतलब असल में ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद से मान रहे हो, सर ठीक है। तो ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाती है, उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, उस बिंदु पर क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है, अच्छा। तो बिल्कुल सेम टू सेम सर क्या है मेरे पास, चुंबकीय बल रेखा। सर क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय बल रेखा वह काल्पनिक रेखाएं होती है जिनके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। सर ठीक है लिखते हैं, आओ लिखो मेरे लाल, छापो 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 छापो। पॉइंट नंबर एक सर, यह क्या बोले, चुंबकीय बल रेखाएं वह काल्पनिक काल्पनिक
रेखाएं। हुई हुई ज्यादा हो गया क्या? हाँ, वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। मतलब कि ये मेरे पास कोई बल रेखा है, आपने से किसी बिंदु पर सर क्या करा, स्पर्श रेखा खींचा, तो सर ये क्या होगा, आपको इस बिंदु पर आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा देगा। सर ठीक, आप सब कुछ बातें वही जो हमने सर वहां पढ़ी थी। सर कौन कौन सी बातें? सर सबसे पहला कि सर कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। सर ठीक, सेम बात। सर ठीक है, क्या बोल रहे हैं, क्या बात करेंगे? सर अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? हमने पढ़ रखा कि सर किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर आने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। बिल्कुल सही बात। तो क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो क्या क्या होगा, इनके काटने से सर होगा ये कि एक ही बिंदु पर मेरे पास दो स्पर्श रेखाएं बन पाएंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो सर जब दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो सर क्या होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएंगे। अब सर वो संभव नहीं है। सर कैसे? क्योंकि सर एक बिंदु पर एक ही क्षेत्र हो सकता है। एक क्षेत्र मतलब एक ही कुल क्षेत्र आएगा ना, कि सर किसी भी बिंदु पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा बन सकती है, दो अलग अलग नहीं बनेंगे। तो मेरे भाई ये बात झूठ है, ये गलत है, संभव नहीं है। तो ठीक है, तो आपकी बात मानो कि सर ये बात मेरे लिए क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव है। सर चलेगा क्या? हाँ सर, ये बात कभी भी नहीं हो पाएगी। सर बात समझ रहा हूँ, समझा? हाँ सर। सर ऐसे कुछ और बातें की जाए, क्या बातें सुनना, क्या बोलता हूँ? हाँ लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं सर? सर जैसे मैंने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा था, कहाँ गया? हाँ, बल रेखा या बोले चुंबकीय बल रेखा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात होता है। याद क्वेश्चन में कहा था कि सर जिस तरह से विद्युत बल रेखाएं जितना पास पास होती हैं उनका बल रेखा घनत्व उतना ज्यादा होता है। सर मतलब बल रेखा घनत्व मतलब होता है कि सर दिए गए एकांक क्षेत्रफल में आने वाली बल रेखाओं की संख्या। सर मतलब समझाता हूँ, देख लिख के देखता हूँ, लिख के दिखाता हूँ। क्या बोल रखे हैं, बल रेखा घनत्व क्या बोल रहे हैं? एकांक क्षेत्रफल में
बल रेखाओं की, बल रेखाओं की संख्या। बात समझना, क्या बोल रहे सर? मान लो मेरे पास क्या है, ऐसे कुछ चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। तो ऐसे दे रखी सर इनकी दिशा। बिल्कुल सर, अब मेरी बात समझना सर। हमने लिया गया छोटा सा एरिया, ले लो सर। सर देखो एक छोटू एरिया ये रहा, और सर सेम साइज का एरिया सर हमने यहाँ लिया, सेम साइज का छोटा सा सर एरिया मैंने यहाँ ले लिया। अब सर देख सर, इस एरिया से, इस छोटे से एरिया से कितना, 1 2 3 4 5 6 सर, कितनी चीज है ना, पांच, पांच बल रेखा गुजर रही है सर। इससे कितना गुजर रही है सर, सिर्फ दो, सिर्फ दो बल रेखा। बोल रहे हैं किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाएं, किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली सर बल रेखा से क्या होती है, बल रेखा घनत्व। और सर ये जितना ज्यादा होता है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ज्यादा होगा। तो सर क्या बोल रहे हैं, इस बिंदु पर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र B1 से यहाँ पे कितना B2, सर मतलब कि मेरे पास B1 का मान ज्यादा होगा B2 से। सर मतलब बल रेखा जितना पास पास रहेंगी आपका क्षेत्र उतना ज्यादा तीव्र होगा, उसकी तीव्रता उतना ज्यादा होगा। अच्छा सर बात तो सर ठीक है, बात तो सर ठीक है। अब देखो अगर कुछ बातें सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सर कुछ बातें अलग भी होती है सर। जैसे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो क्या होता है सर, वो हमेशा प्लस आवेश से उत्पन्न होता है और माइनस पे खत्म होता है। याद करो अपने पास जो चुंबकीय, जो हमारे पास जो विद्युत बल रेखाएं थी, विद्युत क्षेत्र जो मेरे पास था, सब प्लस से तो बाहर होता है माइनस के लिए अंदर होता है, प्लस से उत्पन्न होता है माइनस पे खत्म होता है। लेकिन सर यहाँ बात कुछ और है। क्या है सर, हमारे पास यहाँ ऐसा कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बना रही थी, क्योंकि वो प्लस से उत्पन्न हो रही थी माइनस पे खत्म हो रही थी। लेकिन सर यहाँ ऐसा प्लस माइनस का कोई फंडा ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है। अच्छा बात सर समझ रहा हूँ, बात समझ रहा हूँ। क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं, बंद लूप नहीं बनाती हैं, परंतु परंतु चुंबकीय बल रेखाएं बन रखा है, बंद लूप बनाती है, और वो भी हमेशा। सर ठीक सर, चलेगा 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 सर। तो सर उसके हिसाब से बात की जाए तो सर, और हमने सर एक बात और पढ़ी है सर, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास आपका जो विद्युत बल रेखाएं हैं कभी बंद लूप नहीं बनाती, तो क्या बोल रहे हैं सर, हम बात करेंगे। और उसके बाद एक बात पढ़िए, विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक सतह पर लंबवत होती हैं। याद करो हमने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टिंग सरफेस के लंबवत ही बाहर निकलती है, लंबवत ही अंदर जाती है। हाँ सबने पढ़ा, लेकिन इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है सर। कैसे भी आओ, कितने भी कोण पे आओ, कैसे भी आओ, कैसे भी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है सर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल कर रहे हैं, चुंबकीय 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 बल रेखाएं चालक सतह पर चालक सतह से किसी भी कोण पर प्रवेश अथवा अथवा उत्सर्जित हो सकती है। भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि भैया हमेशा ऐसे ही आया है या उसके अंदर जीरो बने, नहीं ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। कैसा भी सर केस बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। ठीक है, बल रेखाएं विद्युत वाली बंद लूप,
नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं। तो इसमें क्या है, किसी भी कोण पर आ जा सकती हैं। हाँ सर, तो ये कुछ बेसिक बेसिक बातें जो हमें याद होनी पड़ेंगी सर। ठीक है, चलो तो बात करेंगे थोड़ा सा आगे की, समझना, आसान बात करेंगे। अब देखो, अब सर जो मेन बात है सर, जिन पे हमारी थोड़ी जान निकलती है सर, उनकी बात कीजिए। आसान बात है, कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं होंगी, सिंपल बात है सर, ध्यान सुनना सर। चुंबकीय बल रेखा को दिशा है, सुनना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सर कैसे निकालें, सुनना। हमारे पास दो केस आएंगे, दो केस सुनना। तो पहला केस कौन सा सर, जिसमें मेरे पास क्या होगा, एक सीधा तार होगा, एक सीधा तार होगा, और उसके कारण मुझे निकालना रहेगा सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सर। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा आएगा सर, जिसमें मेरे पास जो तार तो होगा लेकिन वो सीधा नहीं होगा, वो गोला बनाया, गोला मतलब बंद होगा, बंद लूप बनाएगा सर। ठीक है सर, पहले की बात करते हैं, पहले केस की, कौन सा, सरल रैखिक धारा के कारण सर मेरे पास एक सीधा तार है सर, करना क्या है, सिंपल सर रूल, क्या बोलते हैं, ध्यान सुना, सिंपल रूल सर क्या बोलेंगे, अरे मेरे लाल देख, मेरे लाल, मेरे लाल पेरे मिले, मेरे नीले, मेरा रेनबो देख, क्या बोलता हूं सर, सबसे पहले धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, दिशा में क्या रखना है सर, थंब को रखना है, थंब सर, समझते थंब, थंब मतलब अंगूठा, अरे ये वाला ये होता है, इसको थंब बोलता है अंग्रेजी में, अंगूठा, हाँ सर। धारा की दिशा में थंब को रखना है सर, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद अंगुलियों के घुमाओं की दिशा, अंगुलियों के घुमाओं की दिशा, की दिशा आपको क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान समझना, मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान समझना, बहुत प्यारी चीज है सर। क्या बोल रहा हूं कि सर आप धारा की दिशा में अंगूठे को रखो, और उसके बाद जहां पर आपकी उंगलियां घूमेंगी ना, ये सर, ये दिखाएगी चुंबकीय बल रेखा सर। कैसे देखना, तार है, दिख रहा है क्या, देख तार दिख रहा है क्या, हाँ सर, ध्यान सुनना, तार थोड़ा पास दिखाता हूँ, रुक जा, तो दिखेगा साफ साफ, सब कुछ दिखाता हूँ, क्या देख, ये मेरे पास एक तार दिख रहा है क्या, हाँ सर, इसमें क्या है, धारा जा रहा है, जा रहा है सर ऊपर जा रहा है सर। ठीक है, ऐसा मान लो ये जो पिन है ना, पिन, ये जो इसकी टिप होती है ना, नोक सर, नोक की दिशा में सर धारा है सर। ठीक है, धारा की दिशा में सर थंब को रखेंगे, अंगूठा सर, ठीक है, ले आया क्या, हाँ सर, धारा की दिशा में अंगूठा ले आया सर। ठीक है, अब अपनी उंगलियों को इसके चारों ओर घुमाओ, देखो देखो दिख रहा है सर, ऐसे घूम रही है सर, ये उंगलियां आपकी ऐसे घूम रही है, समझना, ऐसे, समझ रहा है, हाँ सर, आपकी उंगलियां इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है, समझ रहा है क्या, हाँ सर, देख घुमा कर देख, ऐसे धारा की दिशा में, देख धारा की दिशा में अंगूठा घुमाया, तो सर उंगली सर कैसी, आपकी उंगली सर ऐसे घूम रही है, समझ रहा है, हाँ सर, आपकी उंगलियां ऐसे ऐसे घूमेंगी, समझ रहा है, ऐसे ऐसे घूमेंगी सर। ये क्या है, ये बल रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की सर दिशा है। अब पर बात सर ऐसी है कि सर हम जो डायग्राम बना रहे सर वो क्या है, 2D में है, वो एक सतह पर है, और जो हमें बात कर रहा सर वो कौन सा है, 3D की है। तो सर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंस रखना पड़ेगा सर, कैसे, देख सर, हमने सर रखा, ये आया मेरे पास करंट की दिशा, करंट की दिशा में रखा अंगूठा, ठीक सर, ऐसे उंगली सर कहाँ घूमेगी सर, आपकी उंगलियां ऐसे घूमेगी, घुमाया, हाँ सर, आपकी सर उंगलियां ऐसे ऐसे घूमेंगी सर। ठीक है, तो सर जब जब ऐसे घूमेगा तो इसके सीधे हाथ की तरफ है ना, धारा तार के, इस तार के राइट साइड पे उंगली सर कहाँ जा रही है, अंदर जा रही है सर, समझना, अंदर जा रही है, यस सर, तो ये फील्ड आएगा ऐसा बी सर। अब सर क्या है, आपकी चुंबकीय बल रेखा है बंद लूप बनाती, तो क्या होगा सर, अगर ये इस तरफ ऐसे है, देखो अंदर जाती है, घूम कर वापस यहां से बाहर आएंगी, अगर यहां से अंदर गई है तो सर घूम के वापस यहां से बाहर आएंगी सर। ठीक है, तो कैसा, ऐसा, तो थोड़ा फीलिंग का माई दिखाता हूँ, फीलिंग देता हूँ, समझाता हूँ, थोड़ा सा समझना, थोड़ा 3D डायग्राम है, देख कुछ इस तरह से क्या है, ऐसे है, तो मेरे पास क्या है, आपने करंट की दिशा में अंगूठे को रखा, उंगलियों को घुमाया सर, उंगलियां जहां घूमेंगी सर, ऐसे पूरा सर्कल, ऐसे पूरा का पूरा सर्कल आपको चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो देखना कैसे, यहां पे जो टेंजेंट जाएगा, टेंजेंट मतलब टच करता हुआ रेखा, स्पर्श रेखा, देखना सर, हर एक बिंदु पे अलग अलग स्पर्श रेखा होगी सर, यहाँ पे ऐसे होगी, यहाँ पर सर ऐसे होगा सर, यहाँ पे कैसे ऐसे आएगा, यहाँ पे सर कैसा ऐसा आएगा, और सर यहाँ पे कैसा अंदर जाएगा, समझ रहा है, अंदर
अंदर मतलब कुछ ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है। और सर यही पॉइंट यहां पे सर ऐसा आएगा, बाहर आता हूं, देख क्या हो रहा हूं, अंदर जाता हुआ क्रॉस, बाहर जाता हुआ डॉट, देख यहां से आएगा बाहर, वहां से आएगा अंदर, थ्री डायग्राम, थ्री डी, हाँ सर एकदम थ्री डी चीज है सर, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को, उंगलियों को घुमाया, सर क्षेत्र मेरे पास ऐसा है। तो सर जब कभी आपको किसी भी धारावाही तार के कारण, क्या बोल रहा हूँ, जब कभी किसी धारावाही तार के कारण आपको निकालना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो क्या करूंगा, ये रहा तार, रखा अंगूठा, अब जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना, क्या बोल रहा हूँ, जिस बिंदु पर क्षेत्र निकालना है, उंगलियों को उस बिंदु पर लेके जा सर, जैसे देख, तो देख सर सर इसमें जा रहा है धारा नीचे की ओर, इसमें करंट नीचे की ओर, तो ठीक है सर, आपने करंट की दिशा में रखा अंगूठा, तब मुझे निकालना फील्ड इस तरफ, इस तरफ फील्ड निकालना सर, ठीक है यहां निकालना। तो देखना करंट की दिशा में रखा थंब, उंगलियों को लेकर गया उस बिंदु पर, तो उंगलियां कहाँ घूमेंगी सर, ऐसे घूमेंगी बाहर आती हुई, तो जैसे आपकी उंगलियां बाहर आई, बाहर मतलब डॉट, तो ये आपका होगा बिल्कुल आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सर, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा सर, यहाँ आऊंगा सर, ठीक है। तो हमने क्या किया, करंट की दिशा में रखा अंगूठा और उस तरफ लेके गया उंगलियों को, तो उंगलियां कहाँ, अंदर जाएंगी, अंदर से मतलब होता क्रॉस, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड आ गया सर। अगर मैं इसका बंद लूप बनाता, देखना कैसा बनेगा, देख ये रहा बंद लूप, हाँ सर आपने रखा अंगूठा, उंगलियों घुमाया सर, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो जब ऐसे घूमेगा तो आप इसको ऐसे दिखाओगे, हाँ सर आप इसको ऐसे दिखाओगे, देख यहां से बाहर आता हुआ, यहां से अंदर जाता हुआ, हाँ सर दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, देख थ्री डी चीज है ये, डायग्राम थ्री डी में चलता है, तो बस थोड़ा सा दिमाग में सोचना पड़ेगा। और हाँ एक बात समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ, देखो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ वो यहाँ पर ऐसे है, इस वर्टिकल में ये वर्टिकल प्लेन है, और जो आपकी कॉपी है वो कहाँ है, वो ऐसे है हॉरिजॉन्टल। तो हमेशा जब भी आप डायग्राम बनाओगे, डायरेक्शन देखोगे, आप इस कॉपी के हिसाब से देखना, आपकी जो रजिस्टर है उसके हिसाब से देखना, तब जाके आपका और मेरा डायग्राम सेम बन पाएगा। अगर आप यहां देखकर यहां बनाओगे तो चीजें थोड़ी सी गलत हो जाएंगी, पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है चलेगा। हाँ सर हम बात समझे कि सर स्ट्रेट वायर के लिए आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, और जहां आपकी उंगलियां, जहां पे आपके फिंगर्स रोटेट होंगी, आप उस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाओगे सर, ठीक बात क्लियर है। अब बात समझना क्या बोल रहा हूँ सर, ये देख सर अब आपने सर वायर रखा है सर, देख सर ये रहा वायर सर, करंट जा रहा आपका ऐसे सर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देखो करंट की डायरेक्शन में रखा थंब को सर, ठीक है करंट की डायरेक्शन में आया थंब, फिंगर्स को घुमाया सर ऐसे, देखो ऊपर वाले बिंदु के लिए बाहर आएगा सर, ठीक है बाहर मतलब सर, वही क्षेत्र सर यहाँ कहा जाएगा नीचे, जाएगा नीचे, हाँ सर नीचे गया तो क्रॉस, हाँ सर ये कैसा आया, बी डायरेक्शन, देख बना सर ऐसे मेरे पास लूप आया होगा सर, यहां से बाहर आता हुआ, यहां से अंदर जाता हुआ, बिल्कुल सही बात सर, वहां देख, वहां देख तो क्या बात कर रहा हूं, आपने सर रखा आप करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे रखा है ऐसे, ये आपका है करंट का डायरेक्शन सर, ठीक है करंट की डायरेक्शन में रखा थंब, उंगलियां गई अंदर, तो सर जहां अंदर गया वो क्रॉस, और वही उंगलियां से यहां कैसे बाहर आएंगी, बाहर देख रहा है, हाँ सर बाहर आए तो कैसा हो गया सर, डॉट, समझ रहा है क्या, हाँ सर हमेशा आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, इसका और कोई इलाज नहीं, देख ऐसे बाहर आएंगे तो ठीक सर। सर इनको दिखाने का एक तरीका और भी बन सकता है, ये देख ये कैसे मैं करंट, सर डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है सर बाहर आता हुआ, तो क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे पास एक तार है, क्या है तार है, तो ये तार है जिसमें सर कितना धारा आपका आई प्रवाहित हो रहा है, और कहाँ बाहर की तरफ ऐसे, ये देख तार देखा तार, ये ऐसा है इसमें आपका सर धारा बाहर आ रहा है बाहर, तो धारा की दिशा में रखा अंगूठा, उंगली उसको सर घुमाया सर, कैसे घूमेगी ऐसे घूमेगी, आपकी सर उंगलियां ऐसे घूमेंगी सर, ऐसे मतलब क्या है, आपकी तरफ से ये आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में सर, ठीक है सर, मतलब आपको कुछ ऐसा दिखा, दिखा क्या, हाँ सर ऐसे दिखा है, ऐसे दिखा है, तो क्या बोल रहा हूँ ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी आएगा सर, ठीक है बिल्कुल सर सेम टू सेम, वहां देख सर इस बार मेरे पास सर करंट कहाँ है, अंदर जा रहा है सर, अंदर मतलब क्षेत्र
ये रहा तार अंदर, करंट रहा अंदर, फिंगर्स को घुमाया सर ऐसा, आपकी फिंगर सर ऐसे घूमेंगी, ऐसे मतलब सर क्लॉकवाइज। तो आपकी तरफ से क्या दिखाइए आपको, क्लॉकवाइज दिखा, अरे नहीं क्लॉकवाइज बनाएंगे बराबर, ये रहा क्लॉकवाइज, सर कैसा आएगा, ये मेरे पास ऐसा क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है क्या, हाँ सर। तो सारे के जो आपने अभी देखे मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ सर किस चीज के लिए है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए सर, ठीक 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 बात समझ रहा हूँ, तो मैं बात समझ रहा। तो सर स्ट्रेट वायर, ये भी स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट वायर है, बस फर्क क्या है, ये तल के लंबवत है सर। ये मेरे पास आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर है, ये आपके वर्टिकल स्ट्रेट वायर है, हाँ सर कर सकता हूं क्या, बिल्कुल। तो हर एक केस के लिए आपन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, चल जाएगा ठीक सर। चलो सर हुई एक बात, सर बात करते सर किसके लिए, बंद लूप के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र, सर कैसे निकालूंगा देख समझना, करने का कारण आया ये, ठीक है क्या कह रहे इस बार, इस बार हाँ धारा की दिशा में, अंगुलिया घुमानी है तो ठीक है, धारा की दिशा में अंगुलियां घुमानी है तो अंगूठे की दिशा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा तो ठीक है। तो इस बार केस उल्टा है, इस बार कहानी सर उल्टी है, पहले आपने करंट की दिशा में अंगूठा रखा था और इस बार करंट की दिशा में आप उंगलियां घुमा रहे हो, फर्क क्या है, पहले एक सीधा तार था, अब मेरे पास क्या है, एक बंद लूप है, तो क्या बोल रहे हो, बंद लूप में अब आप उंगलियां घुमाओगे और जहां अंगूठा आएगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा सर, कैसे देख 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 सर, इस बार करंट आपका ऐसे है, देख ये रहा करंट आई, ये देखो करंट आई देख रहा है, हाँ सर ये मेरे पास करंट है, मैंने आपको करंट दिखा दिया सर, करंट की डायरेक्शन में अंगुलियां घुमाओ सर, करंट कैसी है सर, करंट आपकी ऐसी है सर, अंगुलियां घुमाओ, घुमा दिया अंगुलियां घुमा दिया सर, अंगूठा कहाँ है सर, बाहर आया, अंगुली घुमाने पर सर अंगूठा कहाँ है, बाहर है सर, बाहर मतलब डॉट होता है सर, डॉट मतलब ये आपका हुआ मैग्नेटिक, आया कि नहीं आया, अरे हाँ सर वहां देख सर, इस बार क्या किया, करंट आपने कर दिया सर पहले से उल्टा, देख हाँ सर, तो ये मेरे पास करंट ऐसे है, ये रहा करंट सर, ठीक सर, करंट सर क्या है, बंद लूप, लूप के लिए सर करंट की दिशा में उंगलियां घुमाऊंगा, घुमा दी, अंगूठा कहाँ गया, अंदर गया, अंदर मतलब क्रॉस, ये मेरे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड भी, अरे वाह सर क्या बात है सर, उंगलियां घुमा दी, जहां गया अंगूठा वो आया मैग्नेटिक फील्ड सर, सही एकदम सही एकदम सही सर। एक और तरीका देख, यहाँ देख देख मेरे पास क्या है सर, मेरे पास ऐसे आपका धारा का हो रहा है प्रवाह, देख रहा है क्या, हाँ सर, बंद लूप में करंट है सर, कैसा है, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ सर, हमने इस दिशा में घुमाया उंगलियों को, अंगूठा सर कहाँ है, ऊपर है सर, ऊपर मतलब ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन, चलेगा क्या सर, यहां पर आओ सर उल्टा कर दो, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है करंट का डायरेक्शन, ठीक सर, बस क्या करंट का डायरेक्शन सर, ठीक है सर, करंट इस बार कैसा है, ऐसा है, ऐसा दिख रहा है क्या, हाँ सर, इस बार सर आपके करंट सर ऐसे है, तो क्या बोल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में उंगलियों को घुमाऊंगा सर, घुमा दिया तो हम कहां गया, नीचे, नीचे मतलब ये आपका इस बार क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ रहा हूँ समझ रहा हूँ। तो मेरे भाई इस तरह से आप इनमें निकाल सकते हैं दिशा, और भी देख सर, देख ये रहा, देख सर ये रहा मेरे पास करंट का डायरेक्शन, ओके सर, देख सर ये रहा करंट आई, सर ये रहा करंट आई, सर कैसा है, देखो यहां से ऐसे दिख रहा है, हाँ सर ये ऐसी करंट जा रही सर, ठीक है, तो सर इसकी दिशा में, करंट की दिशा में उंगलियों को घुमा दिया, घुमाया सर, घुमाया सर, जैसे घुमाया सर थंब कहाँ आया, मेरी तरफ, तो क्या आया सर, फील्ड आया इस तरफ, दिख रहा है क्या, हाँ सर ये देख देख क्या बोल रहा हूँ सर, सर करंट कैसी सर, ऐसे थी, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे है,
घुमाया, अंगूठा सर कहाँ गया, उस तरफ आया क्या, हाँ सर यहाँ देख सर उल्टा करते हैं, सर ऐसा मैंने कर तो कर दिया उल्टा ऐसे, तो ठीक है सर सेवा करण कैसा है, सर ऐसे है सेवा करण सर के साथ कैसा आपका, ऐसा है, तो ठीक है घुमाया हम कहाँ गया उस तरफ, सर ये मेरे पास आ गया मैग्नेटिक, सर हम दिशा नहीं पहचान पा रहे हैं क्या करें, अरे कोई बात नहीं सवाल में लिखा हुआ था कि भाई कैसे क्लॉकवाइज है कैसे एंटी क्लॉकवाइज, लिख के देख लेता हूँ कि भैया इधर से देखने पर सर कैसा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो ठीक है और सर इधर से देखने पर सर कैसा है क्लॉकवाइज है, देख तो सर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी का उल्टा चलना, सर चला दिया उंगलियां घुमा दी थंब कहाँ आया मेरी तरफ, सर क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा घुमाया अंगूठा कहाँ गया उस तरफ, काम खत्म आया क्या, अरे हाँ सर चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा मेरे भाई आराम से अपन इस बात को कर सकते हैं। आप सब बात करें सर इसके आगे, सर हमने सर दिशा तो देख लिया है दिशा निकालना देखा है, अब मेरे भाई अब करने से इन पे सवाल, सर सवाल के लिए सर क्या चाहिए फॉर्मूला चाहिए, तो वो कहाँ से आएंगे सर वो आएंगे बायो सावर्ट लॉ से, तो ठीक है बायो सावर्ट लॉ से सर अब हम निकालेंगे सूत्र, सर किसके सूत्र, सर मैग्नेटिक फील्ड के सूत्र, सबसे पहले सर कौन आता है मेरे पास, अरे ये तो बाकी रह गया ये भी देख ले तो इसमें क्या है आपका ऐसा है करंट, तो ये भी लूप है क्या, हाँ ये भी आपका बंद लूप है, तो बंद लूप के लिए सर क्या करेंगे करंट की दिशा में उंगलियां घुमाएंगे, अंगूठा सर कहाँ गया अंदर सर मतलब ये आपका फील्ड है, चलेगा तीन तरीके से सर इसको उल्टा कर देता हूँ लो भैया हो जाएगा, तो अपन ऐसे दिशा तो निकाल सकते हैं कम से कम, ठीक है घुमाया थंब कहाँ बाहर, ठीक है चल जाए ओके सर, सर बात करें सर फॉर्मूला की, ठीक है स्टार्ट करें सर एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट लॉ के अनुप्रयोग ये अपन को स्टार्ट करना है अब, तो देख शुरुआत करते हैं इसकी, अब सुनना फिलहाल हमें सिर्फ इसके फॉर्मूले याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, बाकी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही होगा, इसके जो डेरिवेशन है सिलेबस में अपने है तो नहीं लेकिन सर फिर भी एक थोड़ी सी इसकी बात की जाएगी सर अभी नहीं, वो कब पढ़ेंगे जब अपन इसमें एक पार्ट आता है एम्पियर सर्किट लॉ वो पढ़ लेंगे उसके बाद हम उसके डेरिवेशन की बात करेंगे, लेकिन सर फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, सर फॉर्मूला किस चीज का, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सर ये कैसे निकलेगी सर समझना क्या बोला सर, मेरे पास एक लंबा तार है सर ठीक सर उसकी कुछ लंबाई है कुछ फिक्स लंबाई सर ठीक है सर ये मेरे पास इसमें सर कितना धारा आई जा रहा है, अब इसके तार से ना तार से इस तार से डी दूरी पर कोई बिंदु पी है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है सर आपको यहाँ पे निकालना है कुल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बात समझना कि सर अगर अगर मैं इसको मिलाऊं इस ऊपर वाले सिरे से और सर अगर मैं इसको मिलाऊं इस नीचे वाले सिरे से, तो जरा देखना तो सर यहां पे जो ये एंगल है सर कितना आएगा अल्फा आएगा, ये एंगल कितना आएगा सर बीटा आएगा, बात समझना सर ऊपर वाले पार्ट का एंगल से कितना अल्फा नीचे वाले से कितना बीटा, बात समझना सर ये बीच वाली लाइन सर कौन सी बीच वाली लाइन, ये लाइन देख ये जो लाइन है सर ये लाइन कौन सी होती है, ये तार के लंबवत बिंदु P तक जाने वाली लाइन का ऊपरी सिरे और निचले सिरे से बनाया गया कोण अल्फा और बीटा है, तो सर ऐसी कंडीशन में मेरे पास उस बिंदु P पर आने वाला नेट फील्ड सर फॉर्मूला क्या होगा याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहां ब्रैकेट में कितना आएगा सर लिखना है साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा, अच्छा सर ठीक है ये मेरे पास फॉर्मूला भाई इसको सीधा ऐसा का ऐसा ही रट के रखना है, सर मेरे पास में क्या है सर आई मेरे पास है धारा वाही तार में प्रवाहित धारा, ठीक है सर डी क्या है सर डी क्या है डी मेरे पास है धारा वाही तार से धारावाही तार से बिंदु P की लंबवत और उसके बाद अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है लंबवत रेखा का ऊपरी व निचले
सिरे के साथ कोण, ठीक है चलेगा, ये मेरे पास है। देखो मैं बताऊँ, मेरी बात सुनो, ये बेसिक टर्म लिखवाना सर मेरे जरूरी क्यों, क्योंकि भैया क्या था ना सर, मैं फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं सर, फॉर्मूला लगाऊं कैसे इस सवाल में, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, हम वो पहचान नहीं पाते, तो इसलिए मेरे भाई ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है और काफी काम का फॉर्मूला है, काफी सारे सवाल ऐसे बन जाते हैं। अब बात समझना, अच्छा हाँ मैं कुछ बच्चों के चैट वगैरह देख रहा था, मुझे याद आई, ठीक है कुछ बच्चे सर बोलते सर आप बहुत ज्यादा लिखवाते हो, है ना। देखो एक सीमा बात बोलता हूँ, मेरी बात ना बुरा मानने की बात नहीं है, बात है कि देख बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे किस हिसाब से, कि भाई मैं ये मान के सोच चलता हूँ कि भाई बच्चों को कुछ नहीं आता है, मैं यही मान के पढ़ाता हूँ। आपने ध्यान दिया होगा मैं हर छोटी से छोटी चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, हाँ जब एक बार उस चीज को पढ़ चुके हैं तब जरूर मैं वो बात इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन पहले पहली बार मैंने आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से, हो सकता है बिल्कुल बेसिक पढ़ाया, एकदम आसान तरीके से, ठीक है। हाँ अगर वो ऐसा फिर भी किसी को अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई तुम्हारे पास प्रीवियस है जो 2022 का बैच है उसका भी आपके पास एक्सेस वगैरह होता है, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आता वहां जाकर पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख उसमें सर कौन, उसमें कौन है, उसमें वीएस सर है, वीएस सर वो जबरदस्त टीचर, खतरनाक शानदार, इतना मतलब मजा आ जाए। पर भैया वो किसके लिए है ना भाई, तुम्हें अगर चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही तो वहां पढ़ ले। देख अल्टीमेटली अपना गोल क्या है कि भाई नीट एग्जाम क्रैक होना चाहिए, अब वो चाहे मुझसे पढ़ के निकले या वीएस सर के नोट से पढ़ के निकले, निकलना चाहिए, अपना काम बनना चाहिए। तो भैया तुम्हें जहां से समझ में आया ना वहां जाके पढ़ लो, बस फर्क यह है कि कमेंट बॉक्स में ना बार बार वो चीज मेंशन मत करो सर ये नहीं है वो नहीं है सर, इससे पता क्या होता है, इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, ठीक है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारी जहां से मर्जी तू वहां से पढ़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क क्या है तू पढ़ ले, बस पढ़ ले, है ना। पढ़ लेगा तो तेरा फायदा, देख तेरे पढ़ने से तेरा फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं, सिंपल सी बात। तो ये है कि जहां से पढ़ना चाहे वहां से पढ़ लो, लेकिन ये ना बीच बीच में ना कमेंट बॉक्स में आके बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, है ना। मैं देख रहा हूँ कि भैया एक ही टाइप के 50 मैसेज पड़े हुए हैं, है ना सर, शॉर्ट नोट दे दो, शॉर्ट नोट दे दो, शॉर्ट नोट दे दो, सर आपका समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। मेरे भाई बात यह है तो खुद बता इन तरह के मैसेज करने से मिल क्या जाएगा तुझे, तुझे मिल क्या जाएगा मुझे बता। अगर 100 बच्चों की क्लास में अगर 90 बच्चों को समझ में आ रहा है और 10 को नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई गलती टीचर में नहीं हो सकती ना फिर, वो जरा समझ तू, गलती टीचर में नहीं हो सकती। हाँ ये जरूर हो सकता है कि भाई तुम्हारी और मेरी ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही, हो सकता है कि मेरे मेरे पढ़ाने का तरीका आपके समझ नहीं बैठ रहा हूँ, पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है, पूछ रहा हो सकता है। तो हो सकता है भैया कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना, या मेरा पढ़ाया आपको समझ में नहीं आता हो, या फिर मेरे तरीके जो आपको समझ में नहीं आते हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, तो जो जिसके तरीके समझ में आते हैं तो उनसे पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल जलस नहीं होता, मैं बिल्कुल फ्री माइंड हूँ, है ना, अपन बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तुम्हें जहां से समझ में आए, जिसका समझ में आए, जैसे समझ में आए पढ़ ले, खत्म कर काम, फ्री कर, है ना। कहीं से पढ़ पढ़ तो पीडब्ल्यू से रहा है ना, पढ़ तो यहीं से रहा है, क्या दिक्कत है मेरे भाई, मुझसे पढ़ ले, वीएस सर से पढ़ ले, एमआर सर से पढ़ ले, बहुत सारे टीचर है मेरे भाई, जिसका तेरे को पल्ले पड़े उनका पकड़ ले, पढ़ ले शांति से, फ्री कर, पर बात ये पढ़ ले, कमेंट बॉक्स पे टाइम खराब मत कर, कमेंट कर करके सर ये, उससे कुछ नहीं हो रहा है, उससे तू सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहा है और लोगों की नजरों में अपनी इज्जत गंवा रहा है, बात समझ, ठीक है। तो बात ये कोशिश कर के ढंग से पढ़ ले, ठीक है, जैसे समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो बाबा कमेंट कर रहा है, ठीक है, समझ जा मेरे लाल, समझ जा, पढ़ाई में ध्यान दे, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, ठीक है, पढ़ ले शांति से, मैंने तेरे देखे हैं, चल तेरे को समझ में नहीं आया ठीक है, पर क्लास के शुरुआत से लेकर आखिर तक मैंने तेरे कमेंट देखे हैं, तो ये कोशिश कर, तो जहां से पढ़ रहा है पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट बॉक्स में टाइम खराब मत कर, बढ़िया है पढ़ने में टाइम दे, ढंग से पढ़ेगा अच्छे से टाइम देगा तो हो सकता है तेरा टारगेट, तेरा फिजिक्स अच्छा हो जाए, और हो सकता है तो फाइनल एग्जाम में 180 में से 180 लेके आए, ठीक है। तो ज्यादा बढ़िया, प्रैक्टिस में टाइम खराब कर, यहाँ मत कर, ठीक है आ जा। देखो तेरे बात क्लियर है क्या, हाँ सर, मेरे पास सुनना सर, इसमें ये फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं जो ज्यादा फेमस होते हैं, समझना, ये तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं वो ज्यादा फेमस होते हैं। सर कौन से स्पेशल केस, समझाता हूँ, देखना सर, अगर मैं इस तार की लंबाई को बढ़ाऊं, समझना, अगर इस तार की लंबाई को बढ़ाया जाए सर क्या होगा, सोचना सर, देख ये सिरा मेरे पास फिक्स है, हाँ सर, अगर तार को कर दिया जाए लंबा, लो सर लंबा कर दिया, यहाँ पहुंच गया, हाँ सर मिला इसको, अब सर अगर मैं इसको मिलाऊंगा सर कितना एंगल आगा, देखना सर एंगल पहले से ज्यादा है, देख ले ये एंगल पहले से ज्यादा है, हाँ सर बात तो ठीक है सर, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते, देख थोड़ा और आगे बढ़ा जाए सर, देखो
सर एंगल और बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात। थोड़ा और आगे जा सर, एंगल थोड़ा सा और बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात सर। सर मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, जैसे जैसे आप तार की लंबाई को बढ़ा रहे हो, आपका एंगल बढ़ रहा है। सर बिल्कुल सही बात। अब सर सोच सर, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा सर, बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए, अनंत पहुंच गए। सर एंगल बढ़ता है, देख सर एंगल एंगल बढ़ता 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 कहाँ पहुंचेगा सर, ऑलमोस्ट 90 को पकड़ लेगा। हाँ सर, कि लगभग लगभग आपका कौन सा कितना 90 हो चुका है। क्या सर सेम सेम टू सेम राम कथा इस निचले के लिए आएगी। हाँ सर, इसमें भी जब आप तार की लंबाई को बढ़ाओगे सर क्या होगा, देखा तार की लंबाई बढ़ाया सर, यहाँ पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा सर, फिर थोड़ा और आगे पहुंचूंगा सर, लगातार क्या होगा आपके कोण बढ़ते चले जाएंगे। तो क्या होगा सर, जैसे जैसे आप इस तार की लंबाई को बढ़ाओगे आपके कोण बढ़ेंगे, और सर कोण बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इनके कोण सर कितना 90 डिग्री को अचीव कर चुका होगा। तो सर इसका जो स्पेशल केस मेरे पास आता है, नोट डाल के लिखेंगे, रत्री नोट डाल के नोट है ना, देख सुनना नोट क्या कर रहे हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण। अब सर तार की लंबाई मेरे पास कहाँ हो चुका है, अनंत हो चुका है। तो होगा क्या सर, मेरे पास डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, समझना। तो ये रहा मेरे पास डायग्राम जी सर। सर मुझे जहां निकालना सर, बिंदु मेरे पास कहाँ पर है, इनके बीच में यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक समझना। ये रहा रे बाबू, देखो देखो हाँ ठीक है सर, ये बिंदु आ गया, और तो ये हमारे पास बिंदु पी, और जो तार सर का है ये जा रहा है मेरे पास अनंत पे, ये जा रहा है मेरे पास कहाँ पे, अनंत पे। ऐसे तो इनको ऐसे दिखाते हैं अनंत पे, समझना। तो अनंत लंबाई का सर तार ऐसे दिखाया जाता है, बात समझना। अब क्या होगा सर, सर इसका ऊपर का कौन सा कितना अल्फा 90, बीच नीचे कौन सा बीटा कितना 90, से कितना दूरी डी आएगा सर, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, अगर मेरे पास अल्फा और बीटा दोनों मेरे पास हो जाए 90, तो देखना क्या सर आपने बी लिखा था कितना, म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4π d, सर ये कितना आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा सर, बिल्कुल आएगा। जरा देखना कि सर मेरे पास साइन 90 कितना होता है, एक होता है सर, साइन बीटा कितना है सर, वो भी 90 है, साइन 90 फिर से कितना हो गया, एक हो गया। जरा देख लिख के देख सर, मेरे पास आने वाले अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आई अपॉन 4π d सर कितना आएगा, साइन 90 प्लस साइन 90, अरे हाँ सर देखो साइन 90 कितना होता है सर, एक होता है, ये एक प्लस एक सर कितना दो आएगा, ये दो से इस चार को काट सर कितना आएगा, दो बचेगा। तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, अनंत लंबे का तार सर बी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π d सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, सवाल बहुत बनते हैं, सवाल बहुत ही ज्यादा इससे बनता है, इस बात को रखना है याद, चल जाएगा। अरे हाँ सर बोल मेरे लाल, चल जाएगा बिल्कुल सर, रट के रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, ठीक सर। इसके अलावा इसका एक केस और आता है सर, कौन सा, ये होता है मेरे पास अर्ध अनंत, अर्ध अनंत लंबाई का कतार। तो अर्ध अनंत मतलब कैसे होगा समझना, तो अर्ध अनंत का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपका जो बिंदु है ना वो इस तरह से रखा, देखो मेरे पास तार है ठीक है सर, तार आपका है तो अनंत लंबाई का ही, देख ऐसे तार तो आपका है तो अनंत लंबाई का ही, तो कैसे देखो देखना है तो अनंत लंबाई का ही, बस फर्क क्या है, अब जिस बिंदु पर आपको क्या बोलते ना, जिस बिंदु पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सर, वो बिंदु कहाँ है, तो वो बिंदु इस तार के एक सिरे के बिल्कुल सामने, ऐसे समझ लो एक सिरे के बिल्कुल सामने। देखो पिछले केस में क्या था, बिंदु पी मेरे पास क्या था, तार के बीच में कहीं था, बीच वाली जगह पे कहीं था सर, इस बार तार कहाँ है, इस बार मेरे पास क्या है, बिंदु पी तार के एक किनारे के बिल्कुल सामने है सर, ठीक है। तो देख सर ऊपर वाले बिंदु से बनने वाला कोण सर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा सर, नीचे वाला तो सामने आ गया सर, सोच नीचे वाला तो सामने आएगा सर, कैसे सामने कहता, देख क्या बोलता हूँ सर, क्या कर रहा हूँ सर, इस बिंदु को ऊपर ले आओ, इस बिंदु को ऊपर सरकाओ, ऊपर लेके आओ, ऊपर लेके आओ सर, जैसे जैसे आप ऊपर आओगे क्या ये कोण कम नहीं होगा, हाँ सर हो तो रहा है, कम हुआ है देख, फिर कम हुआ, फिर कम होगा, हाँ सर, जब जैसे सामने पहुंचो सर कितना जाएगा सर, जीरो जाएगा, देख सर माले पहले कितना था, पहले 60 था, फिर 50 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0
जीरोवा? हाँ सर। तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपका कोण कम होगा। सर कोण कम हो रहा है, बात मैं आपकी समझ रहा हूँ तो क्या हो रहा हूँ सर, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे बिंदु की जो तार के एक सिरे के बिल्कुल सामने, तो सर बीटा कितना हो गया? सर बीटा मेरे पास कितना हो गया? जीरो हो गया। अरे बीटा कितना हो गया? जीरो हो गया। सर ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अर्ध अनंत। अर्ध अनंत मतलब, अर्ध अनंत मतलब बिंदु P तार के एक सिरे के सामने है। तो सर ठीक है, सर एक कोण हो गया मेरे पास कितना? अल्फा 90। सर एक कितना होगा बीटा? मेरे पास होगा जीरो। जरा देखना क्या सर मेरे पास साइन अल्फा, बोले तो साइन 90। सर मेरे पास कितना आने वाला है? सर एक आएगा। सर उसके अलावा साइन बीटा या बोले साइन जीरो, साइन जीरो का मान सर मेरे पास कितना आएगा? एक आएगा। तो देखना सर मेरे पास आने वाला नेट भी सर कितना आएगा? म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4π d साइन अल्फा 1 साइन बीटा 0। सर इनको जोड़ो कितना आएगा? सर मेरे पास आने वाला भी कितना आएगा? म्यू नॉट करंट आई अपॉन 4π d। सर ये मेरे पास आएगा बी का वैल्यू, चलेगा? हाँ मेरे भाई, ये फॉर्मूले रट के रखने हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, चलेगा क्या? हाँ सर। सर फॉर्मूला तो सर ठीक है, इनको इस्तेमाल कैसे करें सर हमसे वही तो नहीं हो पाता, इनको इस्तेमाल कैसे करना सर हम वो नहीं पकड़ पाते। देख समझना, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, जनरल फॉर्मूले की बात की जाए इसकी, सर ये फॉर्मूला लगाने के लिए सर मुझे कुछ बातें चाहिए। सर क्या क्या बातें चाहिए समझना। सबसे पहले तार से उस बिंदु की दूरी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। सर ठीक है, तार से उस बिंदु की दूरी जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, सर डी की बात कर रहा हूं। सर ठीक, तार में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक सर दिख जाएगा, और तार के दोनों सिरों से बनाया गया कोण अल्फा और बीटा, ये चीजें निकालनी है और फॉर्मूला में डालनी। फिर से बोल रहा हूं सर, तार से उस बिंदु की दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, डी पहले निकालूंगा। सर तार में प्रवाहित होने वाली धारा आई, वो निकाल लूंगा। फिर उसके बाद तार के दोनों सिरों का उस बिंदु पी के साथ बनाया गया कोण अल्फा और बीटा निकालेंगे और फॉर्मूला में डाल देंगे। सर ठीक है, बात मैं आपकी समझ रहा हूं। ज्यादा एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, देखा देख डायग्राम देख, दिखता है क्या? देख सर तार है, हाँ सर करंट दे रखा है, हाँ सर डी दे रखा है, यस सर। बिंदु पी पर से क्या निकालना मुझे? चुंबकीय क्षेत्र निकालना। सर देखना सर, ये रहा तार, तो उसकी धारा दे रखी है। सर दूरी कितना आएगा सर इसका? डी 10 सेंटीमीटर। सर कोण दे रखे, सिंपल फॉर्मूला बेस, बस फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4π d सर कितना आएगा? पहला कोण सर कितना? 30। सर दूसरा भी कितना? 30, चलेगा क्या? अरे हाँ सर, लिख के देख सर, म्यू नॉट अपॉन 4π कितना? 10⁻⁷। करंट आई कितना सर? 2 एम्पीयर। सर दूरी कितना है पास? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सर बदला किसमें? मीटर में, चलेगा। साइन 30 कितना? 1/2। सर ये भी कितना? 1/2, चलेगा। डन सर, देख कितना है सर, पावर -2 से सर इसको काट, कितना? पावर -5 बचेगा। सर इसको ले आते हैं ऊपर, तो 2 × 10⁻⁶, आधा प्लस आधा कितना? 1 हो गया। सर कितना आ गया? ये टेस्ला में आ गया, चला गया। हाँ सर, सर बिल्कुल फॉर्मूला बेस, डन सर, एकदम आसान है, बढ़िया है, शानदार है। आगे देख सर, इस बार सर एंगल थोड़े अलग है, एक कितना 60, सर एक कितना 30। सर कोई बात नहीं, निकाल लेता हूँ। सर इस बिंदु पी पर मेरे पास आने वाला चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा? म्यू नॉट करंट आई अपॉन सर कितना? 4π d। सर कोण कितना है मेरे पास? सर एक कोण है 30, एक है मेरे पास कितना? 60। लिख के देख लेते हैं सर, वही सब वैल्यूज है। म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁷ कितना? -7। सर करंट कितना? 2 एम्पियर। डी कितना आएगा सर? 10 सेंटीमीटर। तो इसको बदला किसमें? मीटर में। सर ठीक सर, साइन 30 सर कितना? 1/2। ये कितना? √3/2। सर ठीक है, सर एक काम करते हैं, दो कॉमन लेकर यहां से इसको काट दिया जाए। सर ठीक है, पावर -2 से सर इसको काटा, कितना? -5। ये जाएगा ऊपर से कितना? 10⁻⁶ ब्रैकेट से कितना? 1+√3। ये किसमें आया? टेस्ला में। काम खत्म। आया क्या? अरे आया क्या? हाँ सर, एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस, कुछ नहीं किया है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना सिखा रहा हूं, ठीक है सर, चलेगा। आगे देख सर, अब देख सर, ये तो कुछ अलग ही है। तार मेरे पास, देखे तार मेरे पास यहां से शुरू होकर
यहाँ पे खत्म हो रहा है, निकालना कैसे इस बिंदु पर से, तो गड़बड़ है ये, तो सर गड़बड़ है सर, ये बिंदु तो तार के सामने है ही नहीं, ये तो कहीं और जा रहा है। अब ऐसा डायग्राम में सर कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, वैसे उम्मीद कम है, ऐसा पार्ट पूछने की संभावना है 99% नहीं है, लेकिन इसका एक आध एक एग्जाम्पल अपने मॉड्यूल में हो सकता है, इसलिए करवाना जरूरी। ठीक, समझना सर, सबसे पहले सही रहा तार, हाँ सर, सर लंबवत दूरी चीज, सर किससे, तार से, लेकिन तार तो उधर है, कोई बात नहीं, तार को लंबा कर दे, करे लंबा, हाँ सर, लंबा कर देने के बाद इस तार से इस बिंदु से लंबवत दूरी से कितना, ये आएगा, ये क्या है लंबवत दूरी सर, कितना है डी बराबर 1 मीटर। ठीक सर, धारा कितना 2 एम्पियर। ठीक, हमें चाहिए कोण, सर कोण चाहिए एक तो ऊपरी सिरे से, एक चाहिए निचले सिरे से, सर ठीक है, देखो ऊपर वाले सिरे से सर कोण कितना मेरे पास है सर 60 डिग्री, दिख रहा है क्या, हाँ सर, ऊपर वाले सिरे का इसके साथ सर कोण कितना 60 डिग्री, चलेगा सर, नीचे वाले सिरे से कोण कोण चाहिए सर, सर सोचो नीचे वाले सिरे से कोण, कोण सर दिक्कत है क्या सर, पहले आपका यह कोण नीचे की तरफ था, पहले आपका यह कोण नीचे की तरफ था सर, कैसे था याद कर सर, ये मेरे पास था तार, हाँ सर देख याद कर, ये तार था, समय निकाला था इस बिंदु पे, ये कोण नीचे था, वो कोण ऊपर था, देख ये अल्फा था सर, ये मेरे पास बीटा था, हाँ सर देखो अल्फा वाला तो अभी भी ऊपर ही है, लेकिन सर ये बीटा वाला ऊपर आ गया, बीटा वाला ऊपर आ गया सर, जैसे ही इसने बदली डायरेक्शन, जैसे बीटा वाला आ गया ऊपर, सर मैं अपने आप उसको नेगेटिव मान लूंगा, क्या मान लूंगा, नेगेटिव मान लूंगा सर, क्यों, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ना सर वो किसके लिए था, जब बीटा नीचे था, हमने जो फॉर्मूला लिखा सर वो किसके लिए, जब बीटा नीचे की ओर बन रहा है सर, ये तो ऊपर बना दिया, गड़बड़ है सर इसमें, तो कोई बात नहीं मैं बीटा लिख दूंगा सर माइनस में सर, कोई बात नहीं तो सर देख सर फर्क से बताना सर, अल्फा मेरे पास कितना है 60 डिग्री है, बेटा कितना आएगा माइनस का 30 आएगा सर, ठीक है, तो सर फॉर्मूला बिल्कुल वही है, कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सर कितना आएगा साइन का अल्फा प्लस साइन का बीटा, अच्छा सर ठीक है, सर देखना सर कितना 10 की पावर माइनस का 7, करंट कितना 2, ये कितना 1 मीटर, साइन 60 लिखा जाए, माइनस का साइन 30, सर ठीक, सर माइनस क्यों लगा दिया, देख याद कर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बेसिक में तो पढ़ा था, हाँ सर क्या बिल्कुल सेम तरीके से साइन माइनस 30 का वैल्यू माइनस साइन 30 आएगा, अरे हाँ सर हमने ये बात पढ़ी हुई है, बस वही वैल्यू से मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, अरे हाँ ना, अरे बोल मेरे लाल, अरे मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे गुलाबी, देख सही बोल रहा हूँ क्या, अरे हाँ सर चलेगा, देख लिख के देख सर कितना आएगा 2 × 10 की पावर -7 सर, साइन 60 कितना होता है, ये होता है √3/2, ये कितना हो सर 1/2 सर, काम खत्म बस इतना अपना आंसर, क्लियर है क्या, अरे हाँ है ना, वैल्यू से काम नहीं करना, मैं तुम्हें जो सिख रहा हूं वो बात ये थी, वो बात सर ये थी कि सर अगर आपका ऊपर वाला कोण ऊपर ही है प्लस लिखो, नीचे वाला कोण नीचे है प्लस लिखो, अगर ये कर दे काम उल्टा माइनस लगा दो, ये काम करे सर उल्टा कैसे कर दो, माइनस करो सर, ऊपर वाला कोण कहां जाए नीचे आए माइनस कर दे, नीचे वाला कोण से ऊपर आ जाए माइनस कर दे सर, ठीक है चल जाएगा काम, हाँ बात ये समझानी थी, बात मुझे ये समझानी, तो भैया ये क्या मेरे पास एग्जांपल, चलेगा ईबी का है एग्जांपल, ईबी का है एग्जांपल, ओके सर चल जाएगा मेरे भाई, हाँ मेरे लाल चलेगा, दौड़ेगा चलेगा सर, छापो 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 सर, ठीक है सर, ये तो फालतू सवाल थे एग्जाम में सर, ऐसे आते थोड़ी, आप तो हमें बेवकूफ बना रहे हो, अरे नहीं रे मेरे लाल, तो मैं फिलहाल मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, अब देख सर सवाल में लगाते कैसे, देख सर मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है एक वर्ग है जिसको आपने तार से मोड़ मोड़ के बनाया सर, ठीक है आपने तार को मोड़ के सर एक वर्ग बनाया है सर, ठीक, और सर उसमें कितना धारा आई प्रवाहित हो रहा है, और वर्ग की सर भुजा कितना ए है, आपको उसके केंद्र पर सर क्या निकालना है, बी निकालना है, यहाँ पे तो केंद्र में बी निकालना है, तो कैसे निकालूंगा देख, तो ये रहा केंद्र, दिख रहा है क्या, हाँ सर, अब देख सर ये चार तार है, तो चार मान ले, ठीक है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, बात समझना सर, चार तार है सर, ज्यादा ध्यान से, ज्यादा ध्यान से, क्या चारों के चारों तार एकदम स्ट्रेट वायर है, हाँ सर
स्ट्रेट वायर, क्या स्ट्रेट वायर के लिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिखा है क्या? ये वाला देखना, ये वाला। हाँ सर, स्ट्रेट वायर के लिए सर आपने फॉर्मूला ये लिखवाया, पर सर हमें सर इसमें डी आई अल्फा बीटा ये पता होना चाहिए। डी अल्फा बीटा और आई पता होना चाहिए सर, कोई बात नहीं, निकालते हैं। देख देख बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले सर, तार की उस बिंदु से लंबवत दूरी, सर बिंदु कौन सा? ये रहा तार, कहाँ रहा? सर पहला तार से ये रहा, सर ठीक है। पहले तार की उस बिंदु से ली गई लंबवत दूरी क्या आएगी? सर ये आएगी ना मेरे हिसाब से, तो हाँ सर आएगी तो ये, तो देख सिर्फ वर्ग है क्या? अगर ये भुजा ए से ये भी कितना आएगा? ए आएगा। देख क्या होता कि सर क्या मेरे पास ये जो दूरी है ये ए बाई टू बनना चाहिए क्या? अरे हाँ सर, डी का मान कितना आ गया? ए बाई टू आ गया, सो चलेगा। ओके ओके, अरे यहां देख ले मेरे लाल, यहां समझ जाए। देख देख ये कितना आएगा सर? डी आएगा सर, ठीक है। तो डी कितना है? ए बाई टू, इसका आधा है। हाँ सर ठीक है। बात कर सर कोण की, ऊपर वाले सिरे का और नीचे वाले सिरे का कितना कोण आएगा? सर ये कितना? 45। से ये भी कितना? 45। हाँ सर, दोनों कोण एक जैसे हैं, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, सर डी का वैल्यू पता है, लिख के देख। सर आने वाला भी कितना आएगा? म्यू नॉट करंट आई अपॉन सर कितना? 4 पाई डी। सर डी कितना है? ए बाई टू। सर बात करो सर कोण की कितना आएगा? सर मेरे पास पहला कोण सर कितना? 45। सर दूसरा भी कितना? 45। सर बात तो ठीक है, लिख के देख। सर देख कितना आएगा? 2 से काट सको, कितना? 2 आएगा, चलेगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए, सर कितना आएगा? 1/√2 प्लस 1/√2। सर ठीक है, इनको जोड़ा जाए। देख 1/√2 1/√2, देख कितना आएगा सर? 2/√2। सर कैसे पता आपको? अच्छा देखो, ए प्लस ए कितना होता है? 2a। x प्लस एक्स कितना होता है? 2x। सर ये प्लस ये कितना आएगा? 2 times of 1/√2 आएगा ना? अरे हाँ सर, ये तो मस्त चीज बताई आपने। जरा देख, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a कितना आएगा सर? 2 into 1/√2। सर ठीक, सर 2 से 2 काट दिया, कितना बचा? सर मेरे पास आया है म्यू नॉट आई अपॉन कितना? पाई a अंडर रूट 2। सर ठीक, अब मेरी बात समझना सर, ये तो एक तार का हुआ है, ये तो एक तार का हुआ है सर, मुझे चाहिए चारों का मिला के। सर बात करें सर, पहले दिशा की बात करें सर, स्ट्रेट वायर। हाँ सर, करंट की दिशा में रखेंगे अंगूठा। ओके सर, निकालना कहाँ पर है? उस पर, किस पर? बिंदु ओ पर, तो ठीक है, फिंगर्स है ना, अंगूठा। सर अंगूठा जाएगा करंट की दिशा में, उंगलियां कहाँ जाएगी? बिंदु ओ पर। लो भैया सर, ओ पे मेरा हाथ कैसे जाए? सर ओ पे मेरा हाथ जा रहा है अंदर, देख अंदर जाएगा अंदर। हाँ सर, सर इसकी वजह से उस पर फील्ड सर कहाँ आया है? अंदर आया है, ठीक सर। बात करें सर इसके, देखना ये भी तो स्ट्रेट वायर है। हाँ सर, जैसे क्या होगा? करंट जाएगा। हाँ सर, तो इसकी भी सर दूरी कितना? डी बाई टू, कितने कोण? 45 45 आएंगे। हाँ सर बात तो ठीक। सर करंट की दिशा में थंब, उंगलियां कहां पर? बिंदु ओ पर। सर कहां जा रही है? अंदर जा रही है। हाँ सर, इसका भी फील्ड सर कहां है? अंदर है। यहां देख सर, ये रहा मेरे पास करंट का दिशा। हाँ सर, करंट की डायरेक्शन में सर रखा जाए अंगूठा, रख दिया। फिंगर्स कहां पर? पॉइंट ओ पर। सर कहां गया? अंदर गया। सर अंदर मतलब क्रॉस। सर ठीक है, चलेगा। इसकी बात कर सर, करंट की डायरेक्शन में रखा जाए सर अंगूठा, तो ठीक सर। तो ये रहा मेरा यहाँ पर अंगूठा, ऐसे जाएगा। हाँ सर, सर पॉइंट कहां है सर? पॉइंट नीचे सर, कोई बात नहीं, हाथ घुमा के लाया सर इधर, नीचे आएगा। हाँ सर, अंदर जा रहा है सर हाथ। हाँ सर, मतलब चारों के चारों वायर का सर फील कहां है? अंदर है। और दिमाग लगा मेरे भाई, ये लूप है सर। लूप में क्या होता है? फिंगर्स को रोटेट करो, थंब जहां जाएगा वो अंदर। नेट फील्ड सर कहां आ रहा है? अंदर। सबका सब सेम तरह बोल रहे हैं, B1। बी नेट सर कितना आएगा? इस वैल्यू का 4 गुना। सर क्यों? क्योंकि सर चारों के चारों समान दिशा में, जब चारों फील्ड होंगे सेम डायरेक्शन में, सर मैं उनको जोड़ सकता हूं ना। हाँ सर, मैं जोड़ दूंगा तो कितना आएगा? 4b। सर 4 into b। सर b कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 into πa। सर ये मेरा होगा इसका जवाब। आया क्या? अरे हाँ सर, सर एक 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 और, एक और है ना, एक और करवा दो, शायद हमें सर थोड़ी सी और इसमें क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। एक और देख, एक और देख सर, देख सर समबाहु त्रिभुज। हाँ सर, फिर से क्या करना है? सर इसके सेंटर पे, सेंटर वाले बिंदु पे सर क्या निकालना है? फील्ड निकालना है। सर सबसे पहले बात, सर क्या ये सीधा तार है? हाँ सर, इसको 3 टुकड़े में बांट लूंगा, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। सर क्या ये एकदम स्ट्रेट वायर है, सीधा तार? हाँ सर, स्ट्रेट वायर। सर स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड का फॉर्मूला क्या है?
म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सर क्या क्या चाहिए? एक तो डी चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। सर ठीक है, सर तार ये रहा, इस तार की उस बिंदु से लंबवत दूरी से कौन सा? ये वाला आएगा। तो ठीक है, डी चाहिए। उसके अलावा सर इस बिंदु का एक सिरे से और दूसरे सिरे से कोण पता होना चाहिए। सर ठीक है, आजा। ठीक है, तो सर सर मुझे तो एक तो चाहिए ये वाला कोण, अल्फा पता होना चाहिए। सर एक कोण सर मुझे ये पता होना चाहिए बीटा। सर ठीक है, सर कोण चाहिए, कोई बात नहीं कह सकता हूँ। देखना सर, अगर मैं इसको यहां मिला देता सर, क्या ये बनता पूरा एक बिंदु? हाँ सर। तो पूरा कितना होता? 360 होता। हाँ सर, तीन टुकड़े कर, एक दो और ये तीसरा, कितना आएगा सर? तीन टुकड़े, तो सर 360 के तीन बराबर टुकड़े सर कितना आएगा? 120। सर बात तो ठीक, अगर देखना 120 सर, उस 120 के भी आपने कितने सर अल्फा और बीटा के दो टुकड़े कर रखे सर, वो भी कैसे आएंगे? सेम आएंगे सर, कितना आएगा? 60 और ये कितना? 60। पर सर दूरी नहीं पता, डी नहीं पता। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं मनीषान क्यों रहा? देख ट्राइंगल एक सर, ये वाला त्रिभुज देखियो तो, ओहो देख, दिख रहा है क्या ये त्रिभुज? दिख रहा है क्या? हाँ समबाहु त्रिभुज है सर। कितना? 90 डिग्री कोण है, चलेगा क्या सर? ये कितना आएगा? a/2 आएगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे डी चाहिए। कोई बात नहीं सर, अगर ये कोण मेरे पास 60 सर, ये कितना आएगा? 30 आएगा सर। ठीक सर, लिख के देख सर, 10 30 कितना आएगा सर? लंब बटे आधार। देख थीटा के सामने लंब, सही कितना? आधा सर। ठीक है, 10 30 सर कितना आएगा? 1/√3 सर, 2 जाएगा ऊपर सर, 2d/a। समझो क्या निकालना? d निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर कितना आएगा? a/√3 सर। ठीक, d मिल चुका, ओके। फॉर्मूला में डालो, फॉर्मूला से क्या बोलता है सर? फॉर्मूला मेरे पास है, म्यू नॉट अपॉन 4πd कितना आएगा? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा सर। ठीक है, बात समझना सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd सर, डी कितना है? सर डी मेरे पास है a/√3 सर। ठीक है, a/√3 सर। बात करें एंगल की, देख कितना आया? 60 और 60, ठीक है, कितना आएगा? साइन 60 प्लस कितना? साइन 60, चल जाएगा, डन सर। अब लिखना सर, देखो ये 2√3 को सर ले आओ ऊपर, म्यू नॉट आई अपॉन 4πa, 2√3 से चला गया ऊपर, साइन 60 सर कितना? साइन 60 प्लस साइन 60, 2 sin 60, साइन 60 सर कितना होता है? √3/2 सर। ठीक है, 2 से 2 काट दिया, √3 × √3 से कितना? 3 हो गया, 3 × 2 कितना सर? 6 हो गया सर। ठीक है, 6 म्यू नॉट आई अपॉन 4πa सर। ये तो एक तार का हुआ, ये तो सवाल सर एक तार का, 3 का मिला के सर कितना? × 3 कर दूंगा सर। ठीक सर, सर कितना है मेरे पास? 2 से काट से कितना? 2 बार, ये कितना? 3 बार, कितना है सर? 9 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये मेरे पास है इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु ओ पर सर। ओ कौन सा? सेंटर वाला पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, चलाया गया। अरे हाँ सर, सर क्या ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं? देख आने को तो कुछ भी आ सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तुम्हारे कर्म खराब हुए तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, और कर्म अच्छा हुआ तो सर पेपर आसान भी आ सकता है। परंतु पता क्या है, पेपर आसान फिर सभी के लिए होगा, और जब आसान होगा तो मेरे भाई कट ऑफ जाएगी सर हाई। तो भाई कभी भी ये मत सोचो कि सर पेपर आसान आना चाहिए, ना नहीं सोचना पेपर, ये सोचो सर पेपर ऐसा आए कि सर क्वेश्चन ऐसे हो जो सिर्फ मुझसे हो और किसी से ना हो, पेपर ऐसा बने, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, चलो सर क्लियर हुआ? सर देखो, अब देख सर बिंदु P और Q पे सर क्या निकालना मुझे? नेट फील्ड निकालना। सर देखियो सर, दिख रहा है? डॉट डॉट सर, डॉट डॉट का सा मतलब होता है कि अनंत लंबाई का तार। क्या है? अनंत लंबाई का तार सर। ठीक है, अब अनंत लंबाई के तार का चुंबकीय क्षेत्र सर कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 2πd, देखा था? म्यू नॉट आई अपॉन 2πd, हाँ हाँ सर हमने पढ़ा है। सर पहले बात करता हूँ बिंदु P पर, बिंदु सर P पर आपको कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालना सर। ठीक है, देखना सर, पहला तार दूसरा तार देखना,
सर पहले तार के लिए करंट की दिशा में, धारा की दिशा में सर क्या करोगे, अंगूठा रखेंगे, पॉइंट पी पर लेके जाएंगे, फिंगर्स को घुमा दो। ठीक है, देखो करंट की दिशा में अंगूठे को रखा जाए और उंगलियों को बिंदु पी पे लेके जाया जाए, फिंगर सर जहां घूमेगी वहीं आपका सर क्या आएगा, फील्ड आएगा। सर ठीक है, पहला फील्ड सर कहाँ है, अंदर चला गया। हाँ सर, बात कर सर इसकी, सर धारा कितना, आई टू, कोई बात नहीं सर, धारा की दिशा में अंगूठे को रखा जाए और उंगलियों को बिंदु पी पे लेके जाया जाए, सर फिंगर्स कहाँ, सर बाहर आई, बाहर आएगा सर, बाहर मतलब सर कैसा आएगा, डॉट आएगा। अच्छा सर ठीक है सर, देखना क्या सर दोनों क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है क्या, अरे हाँ सर, तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है सर। मान लो मेरे पास क्या है, आई वन का मान सर ज्यादा है आई टू, तो क्या होगा सर, बी वन का मान सर बढ़ आएगा। तो ठीक सर, ये क्या मिड पॉइंट है, ये डी, ये भी कितना बी सर। ठीक है, तो सर बिंदु पी पर आने वाला नेट फील्ड सर कितना आएगा, बी वन माइनस बी टू, सर बी वन कितना आएगा, म्यू नॉट करंट आई वन अपॉन टू पाई डिस्टेंस थ्री, माइनस का म्यू नॉट आई टू अपॉन सर कितना, टू पाई डी, चल जाएगा सर, मेरे पास आएगा पॉइंट पी का नेट फील्ड, चल जाएगा, डन सर। सर ऐसे ही बात की जाए, ऐसे बात की जाए, ओ और सर देखना सर, अब सर निकाला बिंदु क्यू पर सर, ठीक है सर, बिंदु क्यू की सर पोजीशन थोड़ी सी अलग है, बिंदु क्यू की पोजीशन थोड़ी सी अलग है, देखना सर करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को रखा जाए और उंगलियों को कहां पर, बिंदु क्यू पे लेके जाया जाए, सर कहां जा रही है सर, अंदर, अंदर मतलब मेरे पास पहले तार की फील्ड कहां है सर, अंदर है, पहले तार के कारण आने वाला चुंबकीय क्षेत्र सर कहां आएगा, अंदर आएगा। सर इसके लिए बात करो, सर करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और उंगलियां कहां पर, क्यू पर, सर कहां जा रही है सर, अंदर जा रही है, अंदर में इसका कैसा हो गया, बी टू, बात समझना, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ सर, जिस बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उंगलियों को वहां लेके जाना है और अंगूठे को सर कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, ये मत बोलना कि सर आपका करंट तो इधर है सर, फिंगर्स तो बाहर घूम रही है मेरे लाल, मुझे उधर निकालना ही नहीं, अब फिंगर सर कहाँ होने चाहिए, जिस बिंदु पर से क्षेत्र निकालना है, सर बिंदु कहाँ है, सर वो बिंदु मेरे पास इस तरफ है, उस तरफ तार के इस तरफ, तो क्या होगा, ये रहा फील्ड, उस तरफ लेके जाएंगे पॉइंट पर, फिंगर सर कहाँ गई, अंदर गई। सर जब मुझे यहां निकालना था तब मैंने क्या किया था, समझना, देखो जब मुझे निकालना था उस तरफ तो सर मेरी फिंगर्स उस तरफ थी, जब मुझे निकालना इस तरफ तो मेरी फिंगर्स इस तरफ आएंगी, समझ रहे क्या, आपको अपनी फिंगर्स को, उंगलियों को उस तरफ रखना है जिस तरफ आपको फील्ड निकालना है। सर ठीक है, तो सर क्या होगा, दोनों फील्ड सर हो गए सेम डायरेक्शन में, हाँ सर, अब देखना इस बिंदु क्यू का इस बिंदु पी से सर कुल दूरी कितना आएगा, ये रहा 2d, ये रहा d, से कितना होगा 3d, चलेगा, लिख के देख सर, पॉइंट क्यू पर आने वाला सर नेट फील्ड क्या होगा, सर दोनों जुड़ जाएंगे सर, ठीक है जोड़ लेंगे सर, कितना आएगा, म्यू नॉट करंट कितना आई वन टू पाई, सर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3d सर, ठीक है सर, प्लस म्यू नॉट करंट कितना आई डी आई टू और टू पाई अपॉन डिस्टेंस डी आएगा क्या, हाँ सर। तो इस तरह से अपन बिंदु क्यू पर आने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं, कर लिया गया, अरे हाँ सर आसान बात, डन 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 डन। सर यहाँ पे देखो सब क्या मेरे पास, सर फिर से देखो अनंत लंबाई की तार है सर, ठीक सर, सर मुझे बिंदु पी पे से क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है सर, ठीक सर, सर अनंत लंबाई के तार के कारण है ना, इनफाइनाइट की बात कर रहा हूँ, अनंत लंबाई के, कलर चेंज थोड़ा चेंज करते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण सर आने वाला चुंबकीय क्षेत्र बी सर कितना है, सही मेरे पास लिखा है म्यू नॉट आई अपॉन सर कितना 2πd, सर इसमें डी क्या है, सर डी होता है तार से उस बिंदु की लंबवत दूरी, सर ठीक है निकाल लेता हूँ सर, देखना एक मिनट दे बच्चों ठीक है, देखो क्या बोल रहे सर, अब देखो सर ये रहा पहला तार, क्या पहले तार से इस बिंदु की दूरी सर कितना आएगा, ए आएगा सर, आप कैसे पता, देख इसके दरके कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निर्देशांक
पता है निर्देशांक क्या होता है? सर निर्देशांक मेरे पास एक्स और वाई निर्देशांक, देखो ये रहा एक्स ये रहा वाई, तो ये रहा मूल बिंदु। मूल बिंदु के सर निर्देशांक होते हैं 0, 0। सर देखना सर ए कोमा ए, सर कैसे आएगा? जब आप मूल बिंदु से पहले ए आगे गए होंगे फिर ए ऊपर गए होंगे, सर बात तो ठीक है। सर सेम तरीके से ए ऊपर गए होंगे फिर ए आगे गए होंगे, सर बात तो एक ही है। अब मेरी बात समझना, सर हमें चाहिए तार से लंबवत दूरी। पहला तार ये रहा, लंबवत दूरी ये रही, कितना है सर? ए के बराबर सर, ठीक है। पहले तार के कारण आने वाला क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2πa, बी वन बोलता हूं सर। इसके लिए सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सर करंट की दिशा में रखेंगे अंगूठा, रख दिया। सर कहां निकालना? पी पे निकालना। सर अंगूठे को करंट की दिशा में रखते हुए फिंगर्स को खोलेंगे सर कहां पर? पी पर। सर पी पे देखो कैसा घूम रहा है, सब बाहर आया। सर पी पर आपकी उंगलियां बाहर आई, सर बाहर मतलब डॉट होता है सर, ठीक है। सर बी वन कहां है? बाहर, चलेगा। सेम टू सेम तरीके से दूसरा तार सर मेरे पास हीरा दिख रहा है क्या? हाँ सर। करंट की दिशा में, करंट की दिशा में अंगूठा रखा जाए और उंगलियों को पॉइंट पी पे लेके जाया जाए। सर कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। सर अंदर मतलब क्रॉस आएगा सर, ठीक है। बी टू चलेगा। देखो सर दूरी कितना, सर ये भी कितना ए है सर, ठीक है। सर बी टू मेरे पास कितना होगा? सर बी टू मेरे पास हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2π दूरी ए के बराबर, सर चलेगा। सर देखना क्या बी वन और बी टू एक दूसरे के विपरीत है? हाँ सर, एक बाहर और एक अंदर, और सर दोनों का मान क्या है? समान है, तो क्या होगा सर? इनको घटाना पड़ेगा। देख सर बिंदु पी पर आने वाला नेट फील्ड कितना है? बी वन माइनस बी टू, दोनों का मान समान से कितना हो गया? 0। कितना आंसर आया था? 0 आया। कितना आया? 0 आया। तो ठीक है, बात सर मैं आपकी समझ रहा हूं। तो मेरे भाई काम की बात है, काम की बात, समझ रहा है? हाँ सर। ये मेरे पास एक और बहुत प्यारा एग्जांपल आपने देखा, और देख और देख सर। तो मेरे पास आपका तीन तार है, तीन तार है एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश। मेरे पास क्या है? तीन तार है, और सर तीनों में क्या है? समान धारा का प्रवाह हो रहा है। आप सुनना सर, 3D डायग्राम है, 3D सोचना पड़ेगा सर कैसे करूंगा। सिंपल बात समझना सर, देखो एक तार ये रहा सर, बिंदु कहां है? सर ए ए जीरो सर, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट, तो देखना बिंदु आपका यहां कहीं है a, a, 0। तो देखना सर एक तार अनंत लंबाई सर, ठीक है। तो दूरी कितना आएगा? ए, बिंदु ये रहा। सर धारा की दिशा में अंगूठा, उंगलियां कहां पर? पॉइंट पी पर। सर कहां आई? बाहर, बाहर। अब मेरी बात समझना सर, इसमें क्या होता है? हम अक्सर गड़बड़ करते सर दिशा में, समझना। ये क्या है? एक्स अक्ष। ये क्या है? वाई अक्ष। जेड कहां है? सर जेड होता है बाहर, जेड होता है सर बाहर। कैसे? कुछ है नहीं मेरे पास लगा दिखाने को, ऐसे मान लो। देख क्या बोलता हूं, मेरे पास है क्या है? ये एक्स है, ये वाई है, सर जेड कहां? बाहर आ रहा है। तो जेड है आपका बाहर, आपकी तरफ, आपकी तरफ से क्या है? जेड है सर, ठीक है। मेरे पास कितना होगा? एक्स, ये बनेगा वाई, ये क्या बनेगा? जेड। बात समझना। तो सर मेरे पास फिलहाल करंट की दिशा में अंगूठा, उंगलियां कहां पर? पॉइंट पी पर। सर हाथ कहां आया? बाहर। सर बाहर मतलब जेड है क्या? बाहर मतलब जेड है क्या? हाँ सर, आपने अभी बोला ये एक्स है, ये वाई है, बाहर की तरफ जेड है सर, ठीक है। मेरे पास उंगलियां कहां से? बाहर आई सर, ठीक है। तो पहले तार के कारण आने वाला फील्ड है ना, जो तार आपका एक्स के अनुदिश है, उसका फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2πa। सर कहां आया? बाहर, बाहर मतलब के पर सर, ठीक। अब देख बात कर रहे हैं अपने किसके लिए? अब दूसरे तार के लिए। तो देखना दूसरा तार मेरे पास कहां पर है? देख दूसरा तार मेरे पास कहां? वाई दिशा में। देख सर धारा की दिशा में रखेंगे अंगूठे को और सर उंगलियां कहां खोलेंगे? बिंदु पी पर। सर कहां गया? अंदर गया। सर अंदर मतलब ऐसे है ना। सब देख सर बाहर मतलब जेड है, तो अंदर मतलब माइनस जेड आएगा। हाँ सर, अंदर मतलब माइनस का जेड आएगा। सर कितना आया? सर तार वाई के लिए सर कितना आया? म्यू नॉट आई बटे 2πa। कहां आएगा सर? माइनस का के, ठीक सर, चलेगा। अब मेरे पास आना सर आखिरी तार, आखिरी तार। सर देखना सर आखिरी तार, देख सर सर तार कैसा? सर ऐसा ही है, देख थोड़ा ऐसा रहा है, पर तार है ऐसा ही है, आर पास, ठीक है। सर बिंदु कहां है? सर वो रहा सर, ठीक है। धारा की दिशा में सर अंगूठा, सर फिंगर्स कहां जाएंगे? सर ऐसे। हाँ सर, सर मतलब कि इसको उससे मिलाएंगे पहले, तो
मिला दिया, और सर मिलाने बाद इसके लंबवत सर यहां कहीं इसका क्षेत्र आएगा, सर मतलब कि एक्स और वाई से किसी कोण पर। अब देखो सर ये कोण कितना है 45, सर ये भी कितना आएगा 45, सर ठीक है, सर मेरे पास क्या है बी जेड, सर ठीक है घटक कर दो, सर कितना आएगा बी जेड कॉस 45 और बी जेड साइड 45, सर ठीक है। सर देख रहे हैं सर बी जेड कितना आया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, सर एक घटक कहां पर है माइनस एक्स में और एक कहां है प्लस वाई में, सर ठीक है माइनस एक्स सर कितना आएगा कॉस 45 है ना, कॉस 45 माइनस का आई कैप, और सर दूसरा कितना साइन 45। सर ये कहां से आ गए, ये कहां से आ गए, अरे मेरे लाल देख समझाता हूं, देख के समझाओ देखो, देख ऐसे कुछ कहानी हुई है, हुआ क्या है तो ये तो देख, ये तो बोल रहा हूं ये कहां है सर इस तरफ पे देख बी जेड का घटक बी जेड कॉस 45 उसके लंबवत बी जेड साइन 45, ये कहां आया माइनस एक्स में, ये कहां आया प्लस वाई में, अरे हाँ सर देख बी जेड कॉस 45 माइनस वाई में बी जेड साइन 45 जे में, अरे हाँ सर। अब जरा देख सर हमें क्या करना है, सर मैंने कहा नेट फील्ड, हमें क्या चाहिए सर नेट फील्ड चाहिए, सर ठीक है सर सबको जोड़ दूंगा, सबको जोड़ दूंगा। अब जरा देख सर सर ये क्या सदिश राशि है, सर इनको ऐसे जोड़ना पड़ेगा, देख सर क्या इसका और इसका मान समान है, हाँ सर, और दिशा विपरीत है, दोनों आपस में खत्म कैंसल आउट, तो भैया तुम दोनों का तो नेट से कितना आएगा जीरो आएगा। सर बचा कौन खाली, ये बचा सर कितना बी जेड के बराबर आएगा, सर कितना हो गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई ए, और कॉस 45 साइन 45 सर कितना होता 1/√2, बाहर निकाल ले सर 1/√2 ले लिया कॉमन, और कितना मेरे पास आ गया माइनस का आई के प्लस का जे के, काम खत्म मेरे लाल, आया क्या, अरे हाँ सर आ गया है, तो आराम से मैं इसको कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के। चल मेरे भाई आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, यहां देख सब देख, ओ तेरी सही ये तो खतरनाक चीज है, खतरनाक डायग्राम, अरे नहीं है मेरे लाल सिखा रहा हूं, देखो सिखा रहा हूं सब कुछ सिखाऊंगा, देख हर वेरायटी का सवाल तुझे दिया जाएगा हर वेरायटी का। ओहो 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 ये देख पताल कहाँ है अनंत अनंत, ये भी कहाँ है अनंत, ये भी कहाँ है अनंत तक। तो हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए इस बिंदु ओ पर कुल चुंबकीय क्षेत्र। सर अब ये जो तार दे रखा है इसमें कैसे निकालूं, कोई बात नहीं टुकड़े कर टुकड़े कर, सर देख पहला सीधा तार एक टुकड़ा, दूसरा तार दो टुकड़ा, सर तीसरा तार तीन टुकड़ा, चौथा तार चार टुकड़ा, सर ठीक है। सर अब एक बात समझना, हमने सर क्या बोला था कि सर तार के चारों तरफ ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, धारा प्रवाहित हुआ इसके चारों तरफ से ऐसे चुंबकीय क्षेत्र आएगा, लेकिन सर तार जहां पर है सर वहां नहीं आता, तार के चारों तरफ आता लेकिन सर तार पर या बोले तार की रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सर कितना होता है जीरो होता है। तो क्या बोल रहे हैं या लिखेंगे इस बात को, लिखेंगे क्या बोल रहे हैं, तार के चारों ओर ही चारों ओर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, परंतु तार की रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र कितना सर जीरो होता है, सर ठीक है। अब बात समझना, अच्छी बात है बहुत प्यारी बात समझना, देख 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 ये लेते हैं, देख सर तार नंबर एक, सर तार नंबर एक के लिए क्या बिंदु ओ इसी लाइन पर आएगा क्या, हाँ सर तार नंबर एक के लिए वो बिंदु सर इसी लाइन पर है, हाँ सर इसी लाइन पर, सर मतलब बी वन सर कितना आएगा जीरो आएगा, सर ठीक है चलेगा। सर तार नंबर दो देख, तार नंबर सर दो क्या है अनंत लंबाई का है, हाँ सर लेकिन आपका बिंदु ओ इसके एक सिरे के बिल्कुल सामने, याद कर सर अनंत लंबाई का तार और बिंदु एक सिरे के सामने, क्या ये अर्ध अनंत तार है क्या, अरे हाँ सर अर्ध अनंत तार, अच्छा अर्ध अनंत तार सर ठीक है। सर आधे अनंत तार के लिए है ना
सेमी इनफाइनाइट कितना आया था सर, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी आया था। सर बात के साथ दिशा की, सर धारा की दिशा में रखा जाए उंगलियों को, रखा सर उंगलियां कहाँ खोली जाए, बिंदु ओ पर, कहाँ जा रही सर, अंदर गई सर, ठीक है, बी टू से मेरे पास कहाँ है, अंदर चल जाएगा, डन सर। सर सेम टू सेम तार नंबर तीन, सर तार नंबर तीन के लिए क्या बिंदु इसी लाइन पर आएगा, हाँ सर तार नंबर तीन के लिए बिंदु सर इसी लाइन पर है, तो सर बी थ्री कितना आएगा सर, जीरो, क्योंकि सर तार की रेखा में सर क्षेत्र कितना है, जीरो, तार की रेखा में सर क्षेत्र कितना है, जीरो है। सर बचा कौन, तार नंबर चार, सर ये रहा तार नंबर चार, दिख रहा है क्या, हाँ सर, फिर से देख वही, फिर से देख, तार है सर अनंत लंबाई का, हाँ सर अनंत लंबाई का तार है, लेकिन बिंदु ओ उसके एक सिरे के बिल्कुल सामने है, उसके एक सिरे के बिल्कुल सामने है, तो सर जब आपका बिंदु तार के एक सिरे के सामने हो, सेमी इनफाइनाइट अर्ध अनंत लंबाई का तार, सर ठीक है, फॉर्मूला सर वही रहेगा, सर करंट की दिशा में अंगूठा उंगलियां लेके जाऊंगा पॉइंट ओ पर, सर कहां जा रही है, अंदर, अंदर से मतलब क्रॉस, तो सर मतलब बी फोर का वैल्यू भी कितना आया है, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई डी, कहां आया सर, क्रॉस, सर ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, समान दिशा, ये जीरो, ये भी जीरो, तो सर मेरे पास क्या आएगा, आने वाला कुल चुंबकीय क्षेत्र सर बी टू प्लस बी फोर आएगा, दोनों की दिशा समान, दोनों को जोड़ लिया जाए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, सर दोनों का वैल्यू सेम, तो कितना, दो गुना कर दूंगा सर, कहाँ आएगा, क्रॉस में आएगा, ये मेरा इसका आंसर है, कितना आएगा सर, ये मेरा इसका आंसर आएगा। बात पहले पड़ी क्या, अरे हाँ सर बात एकदम सही है, बहुत प्यारी बात है, और मेरे भाई इसको बहुत आराम से अपन कर सकते हैं, बहुत प्यारा सवाल बनता है, इसके बहुत प्यारे प्यारे सवाल आते हैं सर, ठीक है बात मैं आपकी समझ रहा हूँ, तो देख ये मेरे पास आएगा, अब देख मेरे पास सर और भी केस है, देख सर, देख आप तार सर कैसे दिखा रखा है, तार आपको दिखा रखा है डॉट में, तो डॉट क्या है, तार में धारा की दिशा, डॉट क्या है, तार में धारा की दिशा, सर ये कौन से है, ये अनंत लंबाई के तार है, सर ये कैसे है, अनंत लंबाई के तार है, और सर बिंदु ओ पर क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र, सर ठीक है, धारा बाहर की तरफ, डॉट मतलब बाहर की तरफ, सर क्या है, बाहर की तरफ क्या है, धारा, धारा की दिशा में अंगूठा, देख रहा है, धारा दिशा में देख ये है अंगूठा, हाँ सर धारा दिशा में अंगूठा, सर उंगलियां कहां पर, पॉइंट ओ पर, कहां जाई गई सर, ऊपर जा रही है, सर ऊपर मतलब ये मेरे पास आएगा फील्ड, किसके लिए, इसके लिए बी टू चलेगा, सर इसमें क्या है, इसमें भी आपका धारा बाहर की तरफ सर ऐसे है, और सर उंगलियां कहां पर, बिंदु ओ पर, सर कहां जाएंगी सर, नीचे जाएंगी सर, नीचे मतलब आपका आएगा डाउनवर्ड, सर ये कितना है मेरे पास, ये हुआ मेरे पास बी टू, सॉरी बी वन है, बी वन चलेगा, सर दोनों की से दूरी कितना, डी और डी, सर ठीक, मान ले सर अभी के लिए मेरे पास आई वन का मान सर ज्यादा है आई टू, सर ठीक है, सर बी का फॉर्मूला क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट आई अपॉन सर कितना, अगर मेरे पास I1 ज्यादा है I2 से, तो सर मेरे पास क्या आएगा, B1 भी ज्यादा होगा B2 से, मेरे पास कितना आएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र सर कितना आएगा, B1 माइनस B2 सर, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई देख दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक नीचे तो एक ऊपर है सर, ठीक है, नेट कहां है सर, नीचे आएगा सर, कितना आएगा लिख के देख, म्यू नॉट करंट आई वन अपॉन 2 पाई डी माइनस म्यू नॉट करंट आई टू अपॉन 2 पाई डी, क्लियर है क्या, हाँ सर ये आसान था, अगर मेरे भाई तुझे मेरी ये बात पल्ले पड़ गई है, तो बस तू एक काम करना, एक बार इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना, सर मेरे पास चार तार हैं, बाहर बाहर अंदर अंदर, बिंदु ओ पर नेट फील्ड निकालना है, ये तेरा होमवर्क है, तुझे बस इतना ट्राई करना है, जब तू ये कर लेगा तो मेरे भाई इसकी कुछ और प्यारी प्यारी बातें जो अपन नेक्स्ट टाइम पर करेंगे, बाकी अभी के लिए तो इतना काफी है। तो मेरे भाई सुनना, आज जो अपन ने बात सीखी, सबसे पहला दिशा बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर, क्यों, क्योंकि सर हम गलती उसी में करेंगे, मैं बोल रहा हूं हम गलती दिशा निकालने में ही करेंगे, और हाँ सर मैं चीजें आपको यहां स्क्रीन में ऐसे दिखाता हूँ वर्टिकल, क्योंकि देख मेरी कॉपी सर कैसी है, वर्टिकल प्लेन में ऊर्ध्वाधर है, तुम्हारी कॉपी कहाँ है सर, जमीन पर है, तो भाई हमारे देखने का नजरिया अलग है, मैं यहां देखता हूँ तुम यहां देखते हो, फर्क है ना,
मैं इन चीजों को यहां दिखा रहा हूं, आप यहां देख रहे हो, तो भाई इनमें कंफ्यूजन आता है। तो जब कभी आपको क्रॉस चेक करना है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आप डायग्राम कहां बनाओगे? सर अपनी कॉपी में। कॉपी में डायग्राम बनाओ, वहां पे सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद फिर मेरा आंसर चेक करो कि भैया मेरे में क्रॉस या डॉट सही आया कि नहीं आया, ऐसे करना, वरना तुम गड़बड़ करोगे और कंफ्यूजन तुम्हारे में आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, मेरा देखने का प्लेन ये है और तुम्हारा ये है, समझ रहा है? तो भाई दोनों में फर्क है, फर्क है, ठीक है? तो देखने में कंफ्यूज थोड़ा सा होगा, तो बस जब भी आप सॉल्व करो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो, उसको आप यहां बनाकर फिर चेक करो कि मैंने जो बोर्ड पे दिखाया गया है और जो तुमने कॉपी में बनाया हुआ है वो सेम है कि नहीं, तब अपने आप समझ जाओगे, ठीक है क्या? हाँ सर। कॉपी में भी क्या होता है सर? कॉपी में क्या होता है? ये होता है एक्स, ये होता है वाई, और कॉपी के बाहर जेड, कॉपी के अंदर -z, ये याद रखना। इतना कर लेगा तो मेरे भाई आराम से तेरा काम बन जाएगा, ठीक है? बाकी करेंगे सर आज की कहानी को यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मजे मारो, ऐश करो। सर आज का टॉपिक बहुत आसान था, बहुत सिंपल था, इसलिए थोड़ा सा बड़ा किया गया है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरी तरफ से जो मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ वो थोड़े से ज्यादा रहेंगे, ठीक है? बाकी सर चले मिलेंगे अगली बार, चलो ओके टाटा बाय।